एक समाने से लाखों भक्तों को आशीर्वाद और आस्था देकर उनके अंदर श्रद्धा बनाए रखने वाले ये गजानन गणपति बिना घी और दिए के आज भक्तों के सामने खड़े हैं। गजानन गणपति ही हमारे सच्चे देवता हैं। जिस भरोसे के साथ उन्होंने इस गणपति की स्थापना की, वैसे सरपंच श्री राघवेंद्र राय आज के इस माहौल को देखकर दुखी और धोखा खाकर आज कोमा के स्टेज पे चले गए हैं। डॉक्टर ने भी यही कहा है कि अगर इनकी जान बचानी है तो भगवान ही कोई चमत्कार दिखा सकते हैं। वहां पिताजी हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं और यहाँ उसका बेटा अपने बाप को बचाने के लिए कितनी तकलीफ उठा रहा है। अरे सुबह से इसने एक ग्लास पानी भी नहीं पिया है। अब उनकी हालत कैसी है डॉक्टर? आप हर रोज एक ही सवाल करती हैं, मैं हर रोज एक ही जवाब देता हूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मुझे उनकी प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है। सिटी स्कैन कर चुके हैं, एमआरआई बॉडी, एमआरआई ब्रेन, उनकी बीमारी हमारी समझ से बाहर है। इनकी रिपोर्ट्स दूसरे डॉक्टर्स को दिखा के डिस्कस किया है, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप लोग कोशिश करके इन्हें सिंगापुर ले जाएं तो शायद बात बन सकती है। प्लीज डॉक्टर ऐसा मत कहिए, आप कुछ कीजिए ना, तुम कुछ बोलो ना। घबराइए मत, कुछ नहीं बोलो। आप क्या कह रहे हैं, इन्हें सिंगापुर शिफ्ट कर रहे हैं या नहीं? मैं लेकर जाता हूं। तो जल्दी से सिंगापुर का टिकट बुक कीजिए। जल्दी मैं करता हूं। पेशेंट को शिफ्ट करने की तैयारी करिए। ओके डॉक्टर, आप चिंता मत करो, तुम जल्दी से सिंगापुर के लिए टिकट। हाँ, मैं फोन करता हूँ, अभी करता हूँ। जल्दी करो, गणेश कहाँ है? हाँ, मैं फोन कर रहा हूँ माँ, लेकिन उसका फोन अभी स्विच ऑफ आ रहा है। मैं आपका टिकट बुक करवा के आता हूँ। हाँ, बोलो भाई। गणेश, डॉक्टर ने कह दिया कि वो कुछ नहीं कर सकते, पिताजी को सिंगापुर लेकर जाना होगा। वैसे तुम कहाँ गायब हो गए? पिताजी को सिंगापुर लेकर जाने के बारे में रात को सोचेंगे, पहले पिताजी को उद्भवा मंदिर में लेकर चलो, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। यहाँ पर होम और हवन का सारा इंतजाम मैं कर देता हूँ। अरे डॉक्टर, यहाँ कुछ नहीं कर सकते और तुम मंदिर में हवन करने की बात कर रहे हो? हम सिंगापुर के लिए टिकट बुक भी कर चुके हैं। पिताजी ने जिन पर भरोसा किया वो फॉरेन के डॉक्टर नहीं, बल्कि ये उद्भवा गणपति जी हैं। देखिए पिताजी की स्थिति कैसी भी हो, लेकिन उनको जल्द से जल्द यहाँ पर लेकर आइए प्लीज। गणेश, मेरी बात तो सुनो। गणेश, अरे यार ये क्या है, एम्बुलेंस यहाँ आ रहा है? हाँ यार, अभी तक तो एम्बुलेंस को मैंने हॉस्पिटल में जाते देखा है, अरे लेकिन ये तो मंदिर में आ रही है, लगता है भगवान की तबीयत ठीक नहीं है। अरे अंदर पेशेंट है और सब लोग मंदिर के अंदर जा रहे हैं, बेचारे लगता है बहुत परेशानी में हैं। गणेश, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ तुम घबराओ मत। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलसारभक्षितं उमाष्टं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। हे गणपति बप्पा, जो आप पे श्रद्धा करके यहाँ आए हैं उनको आशीर्वाद दीजिए। जिस राय को गणपति पे भरोसा था, उस राय को बप्पा कभी धोखा नहीं देंगे। जय गणेश रक्षमम, जय गणेश पाहिमम, जय गणेश पाहिमम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। पिताजी, मां देखो पिताजी ठीक हो गए। मैं कहां पर हूं? देखिए
गणपति पापा सामने है, हमारे उद्भव गणपति। गणपति पापा, गणपति पापा, मैं बच गया हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? गणपति पापा, गणपति पापा, ठीक हो गए? आपने मुझे बचा लिया मुझे गणपति पापा, आपने, आप ठीक हो गए? बचा लिया, ठीक हो गए? आप मंदिर की चिंता में कोमा में चले गए थे और डॉक्टर भी कह रहे थे कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता, सिंगापुर जाना पड़ेगा। इतने में गणेश जी का पूजा करके देखते हैं और हम यहाँ लेकर आए आपको और आप ठीक हो गए। देखिए गणपति पापा, आपने मुझे बचा लिया है, एक दम था, आपने मुझे नई जिंदगी दी है। इतने सालों से मैं आपकी सेवा कर रहा था, उसके बदले में आपने मुझे इतना बड़ा तोहफा दिया है। गणपति पापा, मैं और मेरा पूरा परिवार सातों जन्म तक आपकी पूजा करके अपनी जिंदगी को संवारना चाहते हैं। हमारा साथ दो गणपति पापा। गणेश, पिताजी को सिंगापुर ले जाने की जल्दी में मैं अपने भगवान को भूल गया था, लेकिन भगवान पर भरोसा करके यहाँ आया तो भगवान ने उन्हें बचा लिया। बहुत अच्छा हो गया गणेश, तुमने बहुत अच्छा काम किया, ये सब इनका खेल है। प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं अमृता। इस शहर में आज बहुत ही अजीबोगरीब घटना हुई है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखे तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जो इंसान कोमा में था वो भगवान का पंचामृत पीकर स्वस्थ हो गया है और ये थ्रिलिंग स्टोरी हवा की तरह फैल रही है। क्या उनको भगवान ने ही बचाया? क्या ये मुमकिन है? अरे, एक आदमी कोमा में था और उसने भगवान का चरण अमृत पी के बच गया है, इसे कहते हैं भगवान का चमत्कार। तिरुपति, सबरीमाला, वहाँ जो लोग जाते हैं तो लोग एक्सीडेंट में क्यों मरते हैं? अगर भगवान है तो फिर वो लोग क्यों मर जाते हैं? इतना ही नहीं, तिरुपति में पर्दे के पीछे भी चोरी हो रही है, भगवान अपने पैसों को भी नहीं बचा पा रहे हैं। अक्सर रास्ते पे चलने वाला इंसान भी कभी कभार गिरकर मर जाता है। लोगों का मरना या एक्सीडेंट होना ये तो हमेशा से होता आया है। लोगों को उनके कर्मों के हिसाब से फल मिलते हैं। श्रीमन जी, इस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं, इस तरह भगवान के प्रति आस्था और विश्वास के बारे में? लोग जो बातें कर रहे हैं मुझे उसमें विश्वास नहीं है। अगर भगवान नहीं है तो धरती पे जीव जंतु आखिर कैसे हो सकते हैं? विश्वास ही भगवान है। जिनको भरोसा नहीं है वो गलत बातें कर रहे हैं, लोगों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ऐसा ना करें, ऐसी मेरी राय है बस। अगर भगवान है तो हादसे में 5 साल पहले आंध्रा में एक मंदिर पूरी तरह ध्वस्त हो गया था, कुछ भी नहीं बचा था। अब आप बताइए, ऐसी स्थिति में अगर भगवान होता तो अपने आप को बचा सकता था ना, बताइए? जब वो खुद को नहीं बचा सकता है तो यहाँ पर भगवान के बारे में बात करके क्या फायदा? 8 बजे से पहले दरवाजा बंद कर लेते हैं क्योंकि वहाँ चोरी हो जाएगा। किस सदी में जी रहे हैं आप लोग? केदारनाथ का भूकंप आप सबको याद होगा, वहाँ पे सब कुछ बर्बाद हो गया था, लेकिन वहाँ का जो मंदिर था उसे किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुँची, उसे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं। ऐसा हुआ तो क्या मतलब है? जिसने मंदिर को बनाया होगा उसने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही बनाया होगा। देखिए, सुबह सूरज उगता है, शाम को सूरज डूबता है, बारिश होती है, धूप होती है, हर जीव जंतु को जो कुछ भी चाहिए उन्हें सब कुछ धरती से ही प्राप्त हो रही है। इसका मतलब इसके पीछे कोई शक्ति है? सर, शक्ति का मतलब भगवान ही होता है सर, ये सब भगवान की शक्ति है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये पूरा संसार सिर्फ भगवान की शक्ति और कुछ नहीं। आप जो कह रहे हैं वो मान रहा हूँ मैं, लेकिन आप लोग अंधविश्वास की जिंदगी जी रहे हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। हम लोगों की आस्था के बारे में बातें कर रहे हैं, अंधविश्वास के बारे में नहीं। अंधविश्वास की वजह से किसी को ठेस पहुंचे, भगवान है या नहीं, इस ब्रेकिंग न्यूज के बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे। कुछ दिनों पहले शहर में एक घटना हुई थी जिसमें गणपति बप्पा ने दूध पिया था और काफी लोग उन्हें दूध पिलाने मंदिर भी गए थे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्म देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम मंगलम मंगलम। मैंने जिस गजानन गणपति पे विश्वास रखा था उन्होंने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। चाहे कुछ भी हो जाए, लोग पहले की तरह मंदिर में पूजा पाठ के लिए आने लगे। भक्तों की भीड़ इतनी बढ़ रही है कि उनको संभालना मुश्किल हो रहा है। ये हुई ना बात, ऐसा होना चाहिए। अरे, मेरे फ्रेंड ने फोन किया था और मंदिर कहाँ है पूछ रहा था। वैसे डॉक्टर साहब, मुझे तो आपको थैंक्स कहना चाहिए क्योंकि पिताजी कोमा में हैं ये बात आपने किसी को पता ही नहीं चलने दी। कितने अच्छे एक्टर हैं आप। मैंने सुना कि आप कह रहे थे कि सिंगापुर लेकर जाओ, सिंगापुर लेकर जाओ, लेकिन सच बात क्या है? तुमने भी कुछ कम थोड़ी किया गणेश, होम हवन पूजा पाठ करने में लगे हुए थे। वैसे राव जी, हमारे प्लान के बारे में किसी को पता नहीं है। क्या आपका कोमा में जाना, मंदिर में आकर तीर्थ पीने के बाद आपका स्वस्थ होना, ये सब आप लोगों का किया नाटक था?
स्वरूप, ये लोग क्या कह रहे हैं बेटा? इनकी तबीयत ठीक होने के लिए हर मंदिर में मन्नत मांगी थी मैंने, उस मन्नत को पूरा करने में मुझे एक साल लग जाएगा। क्या पिताजी, दिल्ली में मेरा कितना इम्पोर्टेंट केस पड़ा था, आपकी तबीयत के बारे में सुनकर अपना सारा काम धंधा छोड़कर यहाँ आया। मुझे सीनियर के पास ज्वाइन किए हुए अभी एक साल भी नहीं हुआ है, और डॉक्टर आप, आपने भी इनके साथ मिलकर नाटक में इनका साथ दिया। आप हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, कम से कम आपको तो मुझे बताना चाहिए था। मैडम, मैंने राव से कहा था कि वो आपको सब कुछ बता दे, लेकिन गणेश ने कहा कि माँ को मत बताना, नहीं तो किसी को मत बताना, किसी को मत बताना बोलकर पूरे गांव में लोगों को बता देगी। किसी भी हाल में मेरी माँ को पता नहीं चलना चाहिए। सही कहा ना गणेश? सॉरी मैडम, मुझे आप पर कितना विश्वास था आपको पता है डॉक्टर। मैडम, राव साहब की मदद नहीं मिली होती तो मेरे हॉस्पिटल का भूमि पूजन भी नहीं हुआ होता, इसलिए राव साहब ने मुझसे मदद मांगी तो मैंने सोचा कि चाहे हॉस्पिटल बदनाम हो जाए लेकिन मैं उनकी मदद हर हाल में करूंगा, और मैंने की। मुझे सब पता है यार। देखो, मर्द और औरत को अलग अलग रहने में कोई फायदा नहीं है, बल्कि मिलकर साथ रहने में है। आजकल व्हाट्सएप ग्रुप छोटा नहीं है, बहुत बड़े बड़े काम होते हैं उसमें, इसीलिए मैंने तुमको बताया नहीं। हॉस्पिटल से एक अर्जेंट फोन आ रहा है, मैं निकलता हूं। हाँ, जाइए जाइए, सब कुछ हो गया ना। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। थैंक यू डॉक्टर। अच्छा, मुझे एक डाउट है, आपने मेरे इस भाई को लॉयर क्यों बनाया ये बताइए। वो क्या है ना, तुम्हारे जैसे लोगों की मदद करने के लिए। ठीक है, तुम लोग अपना नाटक जारी रखो। माँ, मैं वापस जा रहा हूँ। वैसे मैं अपनी जानकारी के लिए पूछता हूँ, इस तरह भगवान का नाम लेकर खेलना गलत नहीं है क्या? एवरी डे इज नॉट अ संडे। तुम्हारी भाषा में कहूँ तो तुम लोग कानून की देवी की आंखों में पट्टी बांधकर बहस करते हो, उसी तरह हम लोग धार्मिक संसार में जी रहे हैं बेटा। हैं? हम सब अपनी आंखें खोलकर ये सब करते हैं। ये जिंदगी, ये आस्था, ये सब तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। तुम तमाशा देखो। कल्याणमस्तु। गुरुजी, आश्रम में भक्तों की तादाद बढ़ती जा रही है और एक भक्त ने 50 लाख का डोनेशन भी दिया है। बहुत दिनों तक वो इस आश्रम में रहके प्रसिद्ध गायिका बनके चर्चित होना चाहती है। गुरुजी, बहुत अच्छा गाती है। गुरुजी, जो भी श्रद्धालु आते हैं भारत के किसी भी कोने से, उनको अपनी माँ और बहन मानो। स्वामी जी, आशीर्वाद दीजिए। गुरु जी, सतमानं भवति सतायु पुरुषेश सतेंद्रिय आयुष्वेंद्रिय प्रतिस्ते स्थिति। उठो पुत्री, तुम्हारा नाम क्या है? समीपा। अच्छा, ये लो। समीपा। और गुरु जी, उसने आपको अपने पास नहीं बुलाया, उसका नाम ही समीपा है। आप हमारे आगे के कार्यक्रम में हिस्सा ले सकती हैं क्या? जी जरूर लूंगी। कार्यक्रम कहाँ है? जगन मोहन पैलेस मैसूर में। इन्हें साथ लेकर चलो। जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती। मैं तुम्हें बहुत दिनों से देख रहा हूँ, तुम यहाँ पर ऐसे ही आते हो या कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? हाँ भाई, बिल्कुल परेशानी है, हर जगह ट्राई किया लेकिन काम नहीं मिल रहा। अनएम्प्लॉयमेंट, एक काम करोगे क्या? ये लो, ये पेंडेंट अपने गले में पहन लो, रोज नहाया करो और इस पेंडेंट की पूजा करो, 21 दिन में सब कुछ अच्छा हो जाएगा ना? इसके लिए मुझे कितना देना पड़ेगा? अभी हुंडी में 10 रुपए डाल दो और काम हो जाने के बाद हवन करा लो। थैंक्स भाई, okay. चलता हूँ। गणेश भाई, गणेश भाई। आराम से, गिर मत जाना, क्या बात है? आपने जैसे कहा था, मैंने 21 दिनों तक इस ताबीज की पूजा की, इसलिए मुझे PUC एग्जाम में 93% मार्क्स मिला है। अरे, उस पेंडेंट का कवर ही ऐसा है, देखो ना। सुनो,
किसी भी कारण से उस पेंडेंट को अपने गले से मत निकालना। नहीं, नहीं, भले ही मेरा गला कट जाए लेकिन मैं ताबीज नहीं निकालूंगी। अरे पागल, इस तरह की बातें मत करो यार। मैं आपको थैंक्स बोलने के लिए आई। उस हुंडी में कुछ डाल दो और अपने नाम की अर्चना करके चली जाओ। आपने मेरी बहुत सहायता की है भाई। अरे मेरे पास क्या है बहन, कुछ भी नहीं है। सुनो, मेरे पिताजी अक्सर एक बात बोलते हैं कि भले ही आप अपनी जिंदगी के 4 या 5 ही दिन जियो, लेकिन कम से कम 40 से 50 लोगों की मदद करो। और ये शब्द मेरे कानों में हमेशा गूंजते रहते हैं। चलो कोई बात नहीं, तुम इस पेंडेंट की पूजा करना कभी भूलना मत। तुम्हें एग्जाम्स में 100% मार्क्स मिलेंगे गणपति पापा मोरिया। ठीक है, मैं चलती हूं। ओके ओके। क्या हुआ, क्या चाहिए? आराम से बताओ भाई। पेंडेंट? अरे इतने सारे लोग एक साथ मांगेंगे तो मैं कहाँ से ला सकता हूँ? सर मैं मैसूर से आया हूँ सर। अरे भाई तुम कहीं से भी आए हो, लेकिन हम उसे इस तरह जल्दबाजी में तो नहीं दे सकते ना। सर, क्या बात है माजी? सर प्लीज। अच्छा तो तुम्हें भी पेंडेंट चाहिए क्या? अरे बाप रे, बहुत डिमांड बढ़ गया पेंडेंट का। अच्छा तो आप लोग लेट हो गए हो, लेकिन टेंशन मत लो। एक काम करो, अपना अपना नाम उस लिस्ट में लिखवा दो, फिर कतार में सबको एक एक करके दे दूंगा। हाँ बस 100-100 रुपए वहाँ पर जमा करवा देना। ओके ओके, देखिए उधर जाके अपना नाम चिट्ठी में लिखवा देना, वहाँ पर पर्ची में अपना नाम लिखवा दो। पिताजी आइए। ये क्या नया आइडिया? जब वो लड़का आया था ना, तब इस पेंडेंट की कोई कीमत नहीं थी, लेकिन उस लड़की के आने के बाद 93% PUC, उसके बाद इसमें पावर आई है पिताजी, इसलिए सबसे 100-100 रुपए मांगे। कैसा लगा? नमस्ते मैडम, आप इसे अपने घर ले जाकर इसे अपनी बच्ची की तरह संभालिए और ध्यान रखिए, यही हमारी वंदना मैडम की ख्वाहिश है। वंदना जी, आप एक एक्ट्रेस हैं, जनता आपसे प्यार करती है और वो भी आपसे, सबको आप कैसे संभालती हैं? मैं आज भले ही एक एक्ट्रेस हूँ, लेकिन मैं पर्यावरण की प्रशंसक भी हूँ। ये पेड़ पौधे, पशु पक्षी, हवा पानी, ये मुझे बहुत प्यारे हैं, इसलिए मैंने ये वंदना नर्सरी ओपन की। ये सब मेरे मन को खुशी और सुकून देते हैं, इसलिए मैं इन सबको नहीं भूलती। मैडम आपको सभी सपोर्ट करते हैं ना? पर्यावरण में जिन्होंने डॉक्टरी की है वो लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। बेंगलुरु आजकल एक पब सिटी बन गया है, पर इस बेंगलुरु को ग्रीन सिटी बनाना है, यही मेरी ख्वाहिश है। ए गणेश, मेरी फेवरेट हीरोइन वंदना की नई फिल्म रिलीज हुई है, मुझे वो फिल्म देखनी है, प्लीज मुझे लेकर चलना। ओए होए होए होए, अरे माँ उसको देखने के लिए तुम्हें थिएटर जाना जरूरी है क्या? तो फिर कैसे देखूं? उसे घर तक ले आता हूँ। हाँ तुम्हें पता है उसके लाखों फैंस हैं, और तुम ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हारे बुलाने से आ जाएगी। अरे माँ फैंस उनके होते हैं जो स्टार होता है, और मुझ जैसे स्टार मेकर के फैंस ये स्टार लोग होते हैं। क्या वो तुम्हारी इतनी क्लोज फ्रेंड है? बहुत ज्यादा क्लोज है। अगर ऐसा है तो प्लीज उसे जल्दी बुलाओ ना, मैं अपनी फ्रेंड्स को बता देती हूँ। उसे घर बुला के दावत देने की क्या जरूरत, उसको सिर्फ घर पर बुलाना ही नहीं है, उसकी हर फिल्म की रिलीज पर मॉर्निंग शो की टिकट का भी इंतजाम करवा देता हूँ, क्या कहती हो? ओ ऐसी बात है क्या? ओ मेरे बच्चे, तू तो मेरी जान, मेरा बेटा। चेहरे पर खुशी देखो। अरे इसके लिए प्लीज करने की क्या जरूरत है? अरे कौन है वो? तुम्हें ऐसे क्यों मार रहा है? मैडम हमारे एरिया के गणेश मंदिर में ताबीज लेने गया था मैडम, भीड़ बहुत ज्यादा थी वहाँ पर, मैंने लाइन बिगाड़ दी, बस इतनी सी बात के लिए ये मुझे मार रहा है मैडम। आज सिर्फ मारा है तुम लोगों को, अगर दोबारा मेरी नजरों के सामने आ गए ना। सॉरी भाई, गलती हो गई भाई, हमें क्या करना है बताइए। कल तुम लोगों को मंदिर के बगल में 40-40 पौधे लगाने होंगे, समझे? ठीक है भाई, समझ के भाई। क्या तुम लोग भी बेंगलुरु में रहकर तुम्हें इतना भी नहीं पता कि पौधे कहाँ मिलते हैं? एक काम करो, लालबाग में चले जाओ, नहीं तो वंदना नर्सरी में चले जाओ, वहाँ पर मिल जाएंगे, आया समझ में? तो जाओ ना। एक्सक्यूज मी। यस।
आप? मैं, मेरा नाम है गणेश, समाज सेवक हूँ। नमस्ते, वैसे आप कौन हो? क्या यार, ये तुम क्या पूछ रहे हो? क्यों, क्या हुआ बहन जी? अरे ये फिल्म स्टाफ वंदना है, इनके बारे में नहीं जानते हो? अब तुमने इनको नहीं पहचाना तो मैं क्या बोलूं? ऐसा है क्या? सॉरी, माफ कीजिए, मैं फिल्में नहीं देखता ना, इसलिए सिर्फ स्पोर्ट्स, न्यूज़ शोज़ और एनिमल प्लैनेट। आपने जिस वंदना नर्सरी का नाम लिया वो मेरी ही है। व्हाट, आप सच में वही मैडम हो क्या? हाँ। अरे मुझे तो मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है, बिकॉज मुझे ये पेड़ पौधों से बहुत लगाव है और मैंने आपके पर्यावरण प्रेम के बारे में बहुत सुना है। आपसे मिलकर सच में बहुत खुशी हुई। अरे आपके लिए रील स्टार है लेकिन मेरे लिए रियल स्टार है। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आपके साथ एक सेल्फी लेनी है प्लीज। प्लीज हाँ, कुछ गलत मत समझना। तुम्हारी तो इसके साथ सेल्फी है ना? इतनी क्लोज है क्या ये तुम्हारे? देखो 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 माँ, इस तरह के सवाल मुझसे मत पूछा करो। देखो माँ, आज मैं सेल्फी तक पहुँच गया हूँ, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। अगर मेरी माँ का आशीर्वाद ऐसा ही रहा तो ये सेल्फी वाली लड़की अपने घर तक भी आ जाएगी। देवकी को साथ लेकर क्यों नहीं आए? वो कैसे आ सकती है? वो तो अपनी बेटी से मिलने अमेरिका गई हुई है। ओह, नेक्स्ट टाइम उनको साथ लेकर आइएगा। जरूर आऊंगा। नमस्ते। बोले रेड्डी साहब। देखिए राय साहब, पिछले चुनाव में आपने मेरा सपोर्ट करके मुझे जिताया था, इस चुनाव में भी आपका आशीर्वाद चाहिए। आपको नहीं तो किसे करूंगा? जरूर करूंगा। वैसे हमारे पंडित जी को आप याद कर रहे थे, पिछले चुनाव में आपने गणपति जी से कुछ मन्नत मांगी थी क्या? हाँ हाँ, इसीलिए आपको याद दिलाया। राय साहब, चुनाव से पहले अर्चना के साथ डोनेशन देकर और पूजा करके आता हूँ। क्या? अरे इतनी सी बात, कमाल है, 100-200 करोड़ क्या होते हैं? नमस्ते। मैंने उनको बताया भी था कि इस तरह के मामले को घर पर ना लाया करें, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उन्होंने मेरी बात ही नहीं मानी। पिताजी, हाँ, वो मिनिस्टर मुनीश्वर है ना, उनके घर में रेड पड़ गई। अरे बाप रे, बता रहे हैं कि 100 करोड़ स्वाहा हो गए। कितना मूर्ख है वो, मेहनत से पैसे कमाते हैं, संभाल कर रखना नहीं आता? आता ही नहीं है। हाँ। राज साहब, मैं घर जाके आता। अरे रुके ना, इलेक्शन के बारे में बात करनी है ना। नहीं, थोड़ा अर्जेंट है इसलिए। अरे 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 अरे, रेड किसी और घर में पड़ी है और परेशान आप क्यों हो रहे हैं अंकल? हाँ। नहीं, उस लिस्ट में मेरा नाम तो नहीं, सोचकर घबरा रहा हूँ। अरे आपका नाम कैसे हो सकता है, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? क्यों पिताजी? हाँ? मेरे पास है। वो इलेक्शन नजदीक आ रहा है ना, उस वक्त बैंक से पैसे नहीं निकाल सकते, इसलिए पहले ही निकाल लिया है। कितना रखे हो? यहाँ कोई नहीं है। हाँ? 60 करोड़ है। 60 करोड़? हाँ। सच में? हाँ। 60 करोड़ रुपए? अरे छोड़ो छोड़ो, जाने दो, समझो काम हो गया। अरे ऐसा मत करो, कुछ तो कीजिए। अरे इसमें हम क्या कर सकते? चुप करो, रेड्डी साहब घर के आदमी हैं, कुछ करना है तो करेंगे ना। पिताजी आपको पेंशन नहीं मिल रही है और मेरे पास भी कोई गवर्नमेंट का जॉब नहीं है, फिर भी समाज सेवा करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। रेड्डी साहब देखिए, आप खुद ही भाषण में कहते हो कि जब भी आपकी कभी शादी हो तो कभी दहेज लेना नहीं चाहिए, उल्टा लड़की को देना चाहिए। अब दहेज में कार बंगला जो मन में आए वो सब मांगते रहते हैं। अब इस बात पर तो आपको मुद्दा उठाना चाहिए ना, आप कुछ बोलते ही नहीं हो। ठीक है, समझ गया, मैं 20 लाख दे दूंगा। थैंक्स रेड्डी। क्या 20 लाख? बस 20 लाख? 20 लाख क्या होते हैं सर? सर इनकम टैक्स में जो इन्फॉर्मेशन देते हैं ना, उनको 20% मिलता है, और आप ये 20 लाख की बात कर रहे हो, क्या बात हुई? गणेश, रेड्डी साहब घर के आदमी। हाँ, तो फ्रेंडशिप में इस तरह का धंधा नहीं करना चाहिए। तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम चुप रहो। रेड्डी तुम 50 लाख दे देना। क्या 50 लाख? पिताजी अरे फ्रेंड है मतलब, आप क्या जान कुर्बान कर देंगे? आप चुप रहिए, आपको कुछ पता नहीं है। अरे अंकल इतने कम में कुछ नहीं होगा। अरे क्यों भाई, रेड्डी की आग में घी क्यों डाल रहे हो? तुम्हें तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम बिल्कुल चुप रहो। रेड्डी भाई 1 करोड़ दे दो। क्या 1 करोड़? अरे हाँ, 1 करोड़ फिक्स, प्रॉमिस। आप मान गए ना? आप मान गए ना? हाँ मान गया। आप लोग को जो करना है आज ही कीजिए। हमें क्या करना है? मुझे भी तुरंत समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। अब देखिए, चैतन्य नंदा स्वामी नाम का एक शख्स है, वो अच्छा,
वो पूरी दुनिया के लिए स्वामी है। पिताजी उससे बात करेंगे तो मान जाएगा। तुम बोलना क्या चाहते हो? अरे पिताजी, अगर इनके पैसे को वहाँ पर रखेंगे तो पैसे सेफ रहेंगे। तुम्हारे बुद्धि है कि नहीं? पिताजी, आश्रम में कभी रेड नहीं पड़ती है, इतनी सी बात नहीं पता। क्यों सर? बिल्कुल सही बोल रहा है। रेड्डी भाई, आपके बारे में कभी गलत सोचा है क्या? मैं जब कोमा स्टेज में था, रेड्डी रेड्डी कह के पुकारा करता था। कोमा में भी? सच कह रहा हूँ, चाहो तो इससे पूछो। गुरुजी, पिताजी बात करेंगे, एक मिनट। हाँ लीजिए, बात कीजिए। कौन बात कर रहा है? स्वामी जी। हाँ स्वामी जी, नमस्ते स्वामी जी। कर्मण्य बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना। मनुष्य को सदैव अपना कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता ना करें और कभी दूसरों से अपेक्षा ना रखें। बिना किसी उपेक्षा के अपने कर्मों को करते रहना चाहिए। अब आप लोग जाइए। राधे कृष्णा। इतनी देर कहाँ लगा दी? पैसे कहाँ हैं? कार में है। अरे कार में इतना पैसा क्यों रखा? वहाँ गनमैन भी है। गनमैन है? उसकी गारंटी है ना? वो हमारे आदमी है। ये रेड्डी और नायडू साउथ में बहुत ही अक्लमंद होते हैं। हाँ जाओ जाओ जाओ, पैर पड़ो पैर पड़ो। दूसरों की ब्लैक मनी छुपाने वाला मैं कोई नकली बाबा हूँ क्या? अगर आश्रम के भक्तों को इस बारे में पता चला तो वो लोग मुझे ऐसे भगा देंगे। आप लोग जा सकते हैं। राय साहब, मैंने बताया था ना कि स्वामी जी बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। हाँ, दक्षिणा के नाम पर कुछ देंगे तो मान जाएंगे, चोरी के पैसों को नहीं रखते हैं वो। अब हम क्या करेंगे? अरे कुछ तो कीजिए, जो चाहिए मैं देता हूँ, आप बोलेंगे तो मान जाएंगे। स्वामी जी, अगर आप ऐसा बोलेंगे तो कैसा चलेगा? आप तो अखंड विश्व गुरु हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, विश्व के कई आश्रम में इस तरह की सेवा तो आप पहले से ही कर रहे हैं ना। ये आपका सपना भी है ना। भक्त आपसे मदद मांग रहा है, आपकी सहायता के बिना कैसे होगा? जरा सोच कर देखिए, रेड्डी साहब मुफ्त में रखने के लिए थोड़ी ना बोल रहे हैं। सोच कर देखिए ना। तुम और तुम्हारा बेटा इतना बोल रहे इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, समझे? स्वामी जी, बस इलेक्शन होने तक रखना है, उसके बाद ये पैसा लेकर चले जाएंगे। सच कह रहा हूँ स्वामी जी। बार बार तुम लोग आश्रम मत आया करो। अरे इस तरफ ये सर रखकर भी नहीं सोएंगे। भी नहीं रखेंगे। हाँ, सही में, ठीक है ना सर? ये कैसे स्वामी है, पैसा ले रहे हैं और आने से मना कर रहे हैं? तो फिर दूसरा स्वामी देखें क्या, पैसे को स्वाह करने के लिए तैयार? अरे नहीं, कम से कम विजिट तो करने दो। अरे ये मंदिर का आश्रम है, चलो कम से कम एक फोटो तो खींच लेते हैं। ये क्या कह रहे हैं? पागल हो गए हो क्या? मरवाओगे? इनकम टैक्स भर के आओ जाओ। अरे नहीं नहीं, ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। अच्छा ही के लिए कह रहा हूँ, ठीक है ना? पैसे मंगवा लेता हूँ। सूट केस है। हाँ, हम 5 करोड़ दे देते हैं। अरे स्विस बैंक में रखेंगे तो 10% कमीशन देना ही पड़ता है ना, वो लोग बिना लिए मान जाएंगे क्या? हा? तो इसके लिए 10 करोड़ देना पड़ेगा? अरे ऐसा क्यों सोच रहे हो, फिर भी 50 करोड़ तो बच रहे हैं। ठीक है मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा काम है, मिलता हूँ। ठीक है तुम जाओ, हम दोनों बाद में आ जाएंगे। वो क्यों? वो आते वक्त गाड़ी का काम निकल गया है तो बनवा कर आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, दोबारा मिलना 1 महीने के बाद ही हो पाएगा। ठीक है मैं अपनी कार छोड़ देता हूँ, दूसरी गाड़ी है उससे चला जाता हूँ। चलता हूँ स्वामी जी। पैसे भी दे रहे हैं और गाड़ी भी देकर जा रहे हैं। राय जी, आपने 10 करोड़ कमा के दिया है, इस बात को मैं कभी नहीं भूलूंगा। 10 नहीं 8। ये क्या बोल रहा है राय जी? अरे स्वामी जी, आप ये तो अच्छे से जानते हैं ना, पिताजी को पेंशन नहीं मिल रही और मुझे कोई गवर्नमेंट जॉब भी नहीं है, उसके बाद भी मैं समाज की सेवा करने के लिए रेडी हूँ। और जो मेरी बीवी बनकर आएगी उसके लिए वरदक्षिणा नहीं गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। कार है, बंगला है, ये सब मांग रहे हैं, नहीं तो शादी तो नहीं होगी। तो इसके लिए मैं क्या करूं? अरे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मेरे पिताजी को काम दो और मुझे भी कोई काम दे दो, कुल मिलाकर 2 करोड़। तो ये मामला है, तो फिर ठीक है। पिताजी मैं कार के पास वेट करता हूँ, आप जरा जल्दी आ जाइए। ठीक है चलता हूँ स्वामी जी। स्वामी जी आपने बड़े प्लान करके रखे थे ना, वो सब जल्दी से शुरू कर दो। मैं कैसे शुरू कर सकता हूँ? अरे रेड्डी ने पैसे लाकर दिए ना। तो रेड्डी चुप बैठेगा क्या? मैं हूँ ना स्वामी जी। ज्यादा मत सोचो, शुरू करो। चलता हूँ स्वामी जी।
पैसे के बारे में भूलना मत, सीधे भेज देना। स्वामी जी आप ही चलिए ना। मैं ऐसे मंदिरों में नहीं जाता हूँ, मैं यहीं रुकता हूँ, तुम होकर आ जाओ। ठीक है स्वामी जी, मैं जाकर आती हूँ। एक साल में काम हो जाना चाहिए। एक साल में जय श्री, बहुत ज्यादा खर्चा होगा। सोने से सजा होना चाहिए। पिताजी वहाँ देखिए, वो राधा कृष्णन लग रहा है। क्या राधा कृष्णन? अरे हमारे मंदिर में आने की उसकी औकात नहीं है, वो नहीं होगा। लोग सही कहते हैं आप में अकल नहीं है। अरे वो वही है पिताजी, वो वही है, ठीक से देखिए। ऐसा है क्या? नमस्कार, हम चलते हैं। नमस्ते नमस्ते। गुरुभ्यो नमः, देव स्वरूपे श्री राधा कृष्ण जी को नमो नमः। क्या बात है स्वामी जी, मंदिर हाउसफुल है या हवा खा रहा है ये देखने आए हो क्या? आपने कुछ गिमिक्स करके अपने आप को बचा लिया है। उछलो मत वरना मंदिर में ताला लग जाएगा। चुप। मैं और मेरी बीवी लंदन से पंचमुखी गणपति के दर्शन करके आने तक इस पवित्र क्षेत्र को पार्क जैसा बना दिया है ना। आदमी औरत को जो काम नहीं करना चाहिए वही काम करवा कर इसे बदनाम कर दिया। प्रसाद, प्रसाद में जहर मिलाकर इस स्थान को शमशान बना दिया है तुमने। तू कोई इंसान है? छे, मुझसे पैसों की मदद लेकर तुमने मंदिर बनवाया और मुझे गांव से निकलवा दिया, ये तुमने गलत किया है मेरे साथ। वापस यहाँ आकर जो मैंने आश्रम बनवाया है ना, तुमसे दुश्मनी निकालने के लिए, अगर मैंने मुंह खोल दिया तो तुम बाप बेटे सलाखों के पीछे होगे। हे ढोंगी बाबा, तुम क्या अपना मुंह खोलोगे? सही मायने में उद्भवा गणपति मैं खुद ही हूँ, अगर ऐसा बोलूंगा तो फिर भी जनता यकीन नहीं करेगी, समझ गए ना? जनता विश्वास करे, मैं ऐसा सामान्य व्यक्ति नहीं हूँ, अखंड मंत्रों से सिंचित श्री 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 राधा कृष्ण स्वामी हूँ। अखंड सृष्टि से बनाए स्वामी लोग हाथ फैलाकर भीख मांगने का तरीका भी भूल जाते हैं। हम लोग राई को पहाड़ बनाने वालों में से हैं। तुम्हारे पिताजी चैतन्य आनंद स्वामी से मिलकर अपने फायदे के लिए झांसे में फंसाते हैं, मैं जानता हूँ। तुम उनके साथ मिलकर मेरे आस्था को तोड़ोगे? मेरे भक्तों के जुनून को नहीं जानते? अरे कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों की तरफ से पूरे 18,000 सैनिक थे और पांडवों की तरफ से सिर्फ अकेला कृष्ण ही था। नमस्ते, नमस्ते गणेश जी। नमस्ते बहन जी। पिताजी इनका नाम है समीपा, ये अच्छी गायिका है, बहुत सारे प्रोग्राम्स करती है। नमस्ते बेटी। नमस्ते सर, आजकल मैं गुरुजी की सेवा कर रही हूँ। ऐसा क्या? वैसे गुरुजी संख्या शास्त्र प्रयाणम किया कि नहीं? क्या मतलब? मतलब कचहरी में वो मेरा प्रार्थना करने का समय हो गया। भागो भागो, माफ कीजिएगा। वो कार्यक्रम अरे माफ कर रही है, अरे वही पूजा अर्चना वो सब पूजा का अलग ढंग है। हाँ चलो चलो। माँ सब कुछ ले तो लिया ना? ओ गणेश नमस्ते। हाँ नमस्ते माँ जी। नमस्ते, नमस्ते। आप ठीक है ना? मैं अच्छी हूँ। अच्छा तो माँ मैं आता हूँ, आप चलिए। क्या बात है, आप इस तरफ? क्या बताऊँ गणेश, इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया गया है। तुम्हारे पिताजी मेरे पुराने मित्र हैं, इसीलिए उनसे मिलने के लिए चला आया। ओ। वो बोल रहे हैं कि रंगनाथ रेड्डी के खिलाफ मैं खड़ा नहीं हो सकता। हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, मैंने फोन किया तो मुझे आने के लिए बोले थे, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। ये मामला है क्या? वैसे शिवजी ने वर नहीं दिया तो इस बात को लेकर दुखी क्यों हो रहे हो? उसका बेटा गणेश मैं हूं ना, तो क्या चिंता है? क्या तुम ये बात हमारे बीच ही रहने दो, उस रेड्डी का जीतना मुझे भी पसंद नहीं है, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। ठीक है लेकिन रंगनाथ को हराने वाला कैंडिडेट हमारे बीच कौन है? आप बोलिए, पैसे खर्च करने के लिए आप तैयार हैं क्या? पैसे की चिंता छोड़ो गणेश, रंगनाथ रेड्डी को हराने और जनता का दिल जीतने वाला स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कौन है ये बताओ। है ना, मैं देता हूँ ना, वो रंगनाथ भी सोच में पड़ जाएगा, ऐसा कैंडिडेट दूंगा मैं आपको। अरे क्या चल रहा है, शूटिंग हो रही है क्या? हाँ सर। अरे रोड को ब्लॉक करके पब्लिक को तकलीफ देकर इस तरह से कोई शूटिंग करता है क्या? ए, बुलाओ कौन है यहाँ का मैनेजर, बताओ कहाँ पर है वो। हाँ? अरे भाई आप लोग शूटिंग करो, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन पब्लिक को तकलीफ दिए बिना। मास्टर एक मिनट, मैं उन्हें पहचानती हूँ। okay. बोल रहा हूँ ना, पब्लिक को तकलीफ दिए बिना काम करना चाहिए, समझे ना? ऐसे तुम यहाँ? अरे अरे वंदना जी। हाँ। सॉरी आपकी शूटिंग चल रही है क्या? मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था। वो गोगई में मेरा प्रोग्राम चल रहा है ना, तो उन्होंने
फोन करके कुछ पौधे लेकर आने के लिए कहा है मुझे, इसलिए मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। हाँ। तो मैं 50-60 पौधे लेने के लिए जा ही रहा था, मुझे लगा कोई सीएम आ रहा है इसलिए रोड ब्लॉक करके रखा होगा, लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता चला कि यहाँ पर तो शूटिंग हो रही है इसलिए रोड ब्लॉक है। सॉरी एक मिनट, हाँ मैं अभी क्लियर करवा रही हूं। इट्स ओके, आप परेशान क्यों हो रही हो, मैं दूसरा रास्ता देख लूंगा। अरे नहीं, कीर्तन मैनेजर से कहो कि फटाफट रास्ता क्लियर करें। थैंक यू सो मच, ठीक है। गणेश, तुमसे कुछ बात करना चाहती थी। लेकिन अभी मुझे जल्दी पहुंचना है, तो मैं तुरंत जाकर बस आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा। आप यहीं पे हो ना? हाँ हाँ, मैं यहीं हूँ। ओके बाय। हाँ, कुल मिलाकर कितना लेकर आए हो? 1500 भाई, सीधे घर जाना है ना अभी। घर पर कुछ नहीं, जहाँ से खरीद कर लाए हो वहीं पर जाकर छोड़ दो। ओके बस को इस तरह से कन्वर्ट करके रखा है क्या? अच्छा है। गणेश, मैं सोच रही थी कि मैं अपनी नर्सरी और भी कई सारी जगह खोलूं। कॉलेज में अगर आपकी पहचान होगी और आपका सहयोग मिला तो कर्नाटक में कई जगह पर नर्सरी के ब्रांचेस ओपन करने में आसानी मिलेगी। अच्छा, अब मैं मदद करूंगा, वैसे मैं समाज सेवक तो हूँ ही, लेकिन आपसे एक बात पूछता हूँ, आप गलत मत समझना, ये फिल्म, ये पॉपुलैरिटी आज है कल हाथ से निकल जाएगी, लेकिन आपका ये उद्देश्य और अधिकार इसमें ऐड होगा तो इसमें और अच्छा होगा, ऐसा मेरा मानना है। अधिकार का मतलब? अभी आपने नौजवानों के दिल में घर तो बसा ही लिया है ना, अगर आप मेरा कहा मानोगी तो आप उनके दिल में हमेशा के लिए जगह बना सकती हो। तो क्या करना होगा? आपकी जो पॉपुलैरिटी है ना, उसको पावर में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। मतलब ऐसा है कि अगले 3 महीने में इलेक्शन होने वाले हैं, आपको कंटेस्टेंट बन जाना चाहिए। अरे बाप रे, मुझे राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप पता नहीं क्या सोचकर बोल रही हो। वैसे ये गणपति बाप्पा का पेंडेंट आपके गले में? अच्छा, ये गजानन गणपति है, कल मेरे पहचान का कोई मिला था तो उन्होंने कहा कि ये पहनने के बाद उनके साथ सब कुछ अच्छा होने लगा, इसलिए मैंने वंदना को भी पहना दिया। करेक्ट आंटी, सॉरी छोटी माँ, आपने बिल्कुल सही कहा, अच्छा ही होगा। देखिए छोटी माँ, ये कैसा कोइंसिडेंस है ना, आपने अपने हाथों से पेंडेंट पहनाया और अभी सामने इलेक्शन का ऑफर भी मिल रहा है, ये तो वाकई शुभ दिन है। देखिए अभी आप ज्यादा मत सोचिए, कल बस मंदिर में आ जाइए, हाथ जोड़कर श्रद्धा से आपको जो चाहिए वो मांग लेना, अगर दाएं हाथ से फूल गिरेगा तो मान लो, नहीं तो फिर नहीं, छोड़ देना। कमाल है, आप भगवान की बातें कर रहे हैं, फूलों की बातें कर रहे हैं, आज के जमाने में इन बातों पर कौन यकीन करता है। अरे क्या मैडम, आप बिना भरोसे के गले में पेंडेंट पहनकर बैठी हो, आपका कहना है कि फूल का गिरना आप नहीं मानती हो। एक्चुअली मामला क्या है ना, आपने जिस उद्भवा गणपति का पेंडेंट पहना है ना, उस उद्भवा गणपति का उत्पात मतलब अब मंदिर की स्थापना मेरे पिताजी ने की है। पंडित जी, जय श्री गणेश। नमस्ते। नमस्ते। आप इन्हें जानते हो ना, ये है फिल्मों की हीरोइन, नाम है वंदना। आज ये यहाँ पर बहुत ही बड़ी मन्नत लेकर आई हैं, और वो मन्नत पूरी होगी कि नहीं ये गणपति बापा से पूछने आई हैं। तो इनके नाम पर बेसिकली एक विशेष पूजा होनी चाहिए, तो वो करवा दीजिए प्लीज। आपकी जो भी इच्छा है उसे आंखें बंद करके मांगिए, अगर वो इच्छा पूरी होनी होगी तो दाईं तरफ से फूल गिरेगा, और अगर इच्छा पूरी नहीं होनी होगी तो बाई तरफ से फूल गिरेगा। बहुत बड़े पंडित जी हैं ये। भगवान जी, फिल्मों में मेरा अच्छा खासा नाम हो गया है, अब मैं राजनीति में उतरना चाहती हूँ, अगर राजनीति में मेरा भविष्य अच्छा है तो दाएं हाथ से फूल गिरा दीजिए। मैडम देखिए, हमारे गणेश जी एक फूल देने के लिए सोचते हैं और आपके लिए 3 फूल गिरा दिए, और जरा ध्यान से देखिए वो भी अपने दाएं हाथ से। पंडित जी ये तो कमाल हो गया ना। मुझे भी बहुत आश्चर्य हो रहा है, कई मंत्री सीएम बनने की इच्छा लेकर आते हैं तो भगवान एक फूल गिराते हैं, और इसे तो भगवान ने झोली भर के आशीर्वाद दिया। फूल, हाँ। हमने जो सोचा वो पूरा होने वाला है। अरे जरूर होगा मैडम, मुझे गारंटी है, इस इलेक्शन में आप जरूर जीतेंगी, देखना।
अब आगे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। अगले 12 तारीख को नॉमिनेशन भरने की डेट है, 2 तारीख को इलेक्शन है और 5 तारीख को काउंटिंग है और 6 तारीख को शपथ ग्रहण करके सभी लोगों के सामने हाथ जोड़कर गले में माला पहनकर इस तरह से हाथ दिखाकर फोटो खिंचवाकर खड़ी हो जाना, बस इतना ही काफी है। ओके ना? अरे भाई कौन है? मैडम निकल रही है, रास्ता छोड़ो। हेलो, चलिए ना, आइए आइए। गणपति पापा सबके लिए अच्छा करो और खासकर हमारी मैडम के लिए अच्छा करो प्लीज। थैंक यू मैडम। देखो कौन आया है, आइए। अरे 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 अरे, माँ क्या कर रही हो? ये तो वंदना है। हाँ ये वही है, फेवरेट हीरोइन है। कितनी सुंदर लग रही है ये तो बहुत अच्छी है, जैसे फिल्मों में दिखती है वैसे ही है। अरे माँ और कैसी लगेगी? तो अचानक कैसे लेकर आ गया? पहले बताता तो मैं अच्छे से तैयार होकर इसका स्वागत करती ना, मेरी नजर ना लग जाए इसे। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक्स हमारे घर आने के लिए। आपके बेटे ने इतने प्यार से बुलाया, मैं मना कैसे कर सकती थी। वंदना जी, अरे बाप रे क्या हो रहा है, विश्व सुंदरी। ये कौन है? मेरी छोटी माँ। नमस्ते। आप तो बहुत सुंदर हो। वंदना जी, मैंने आपकी एक एक फिल्म को कई कई बार देखा है, याद नहीं आता 25 से भी ज्यादा बार देखी होगी। आपकी एक्टिंग देखता हूँ तो मैं रोने लगता हूँ, मेरी आंखों से धड़ 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 आंसू बहने लगते हैं, सच कह रहा हूँ। लास्ट फिल्म जो रिलीज हुई थी वो तो कॉमेडी थी, उसमें रोने वाला तो कोई सीन नहीं था, आपको क्या देख कर रोना आया? ऐसा था बेटी, वो तो खुशी के आंसू थे। तुम्हारी एक्टिंग देखकर आंखों में आंसू आ गए थे, मैं इमोशनल हो गया था। लगता है बहुत इमोशनल इंसान है। हाँ ये थोड़े से इमोशनल है ना। वैसे जब मेरी बीवी हंसती है तो उसे देख के अंदर ही अंदर रो पड़ता हूँ। मैंने देखो ना, साइड से आंसू आ रहे थे। अरे सुनो गीता, वंदना हमारे घर आई है। सच में वो हमारे घर आई है। पिताजी ये वंदना इलेक्शन में खड़ी होने वाली है, हमारे उद्भव गणपति ने 3 फूल दिए हैं दाएं हाथ से, तो आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आई है। 3 फूल दिए हैं? तुमने सीएम का रिकॉर्ड तोड़ दिया बेटी। मैंने भी यही बोला, गणपति ने जब 3 फूल दिए तो मेरे फूल की क्या जरूरत है। विश यू ऑल द बेस्ट। रेड्डी मेरा पुराना दोस्त है, 4 बार जिताया मैंने उसको। वो कैन मेरी फ्रेंड इनसे बात करना चाहती है। मेरी अभी बात पूरी नहीं हुई, तुम जाओ। अरे जाओ ना। माँ क्या करी है? वो बहुत खड़ूस है बेटी, उसका क्या करोगी? बहुत कंजूस है वो, इस बार मैं उसे जीतने नहीं दूंगा। ठीक है अंकल, आप मदद कर दीजिएगा। क्या है माँ? आप 10 मिनट के लिए रुकिए ना, मेरी फ्रेंड बस आने ही वाली है। हाँ, वो देखना चाहती है। हाँ, कोई बात माँ, नहीं ये यहाँ रहेंगी, लेकिन आपकी जो फ्रेंड्स आ रही है ना वो सब इन्हीं को वोट देनी चाहिए। तू चुप करना, आप आइए ना, मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी जीतेगी। क्या ये क्या चल रहा है? क्या हुआ इसके साथ? क्या आप भी ना। पिताजी आप भी ना, कमाल करते हो। मेरा बेटा इलेक्शन के साथ सिलेक्शन भी अच्छा कर लेता है। हाय, हेलो, नमस्ते। नमस्ते बेटी, आइए ना सर, आइए ना। यस सर। ओह वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छे से घर को सजाया है। थैंक्स। आपको पर्यावरण से बहुत प्यार है ना, है ना? हाँ। इसलिए आपको देखकर मुझे बहुत ही गर्व होता है। वैसे इनका नाम है नीलकंठ नायडू। नमस्ते। नमस्ते सर। ये BDS पक्ष में अध्यक्ष हैं। हाँ। ये बहुत ही अच्छे हैं और इलेक्शन में अपनी पार्टी के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स को चुनकर ये मैत्री सरकार को भी अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। बैठ जाइए ना सर। नमस्ते माँ जी, इनकी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। रंगनाथ रेड्डी के खिलाफ इस एरिया में कौन खड़ा होगा ये सोच ही रहे थे, जनता ने मांग की वंदना मैडम को खड़ा होना चाहिए, वंदना मैडम को खड़ा होना चाहिए। अरे आपको पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है, करोड़ों करोड़ खर्च हो जाए वो हमारी जिम्मेदारी है, सारा खर्च हम उठाएंगे। कुल मिलाकर हम सबकी ख्वाहिश है इस इलेक्शन में रंगनाथ रेड्डी को हराना। सर हम सबका एक ही सवाल है,
इस बार होने वाले इलेक्शन में बीडीएस पार्टी से आपके खिलाफ वंदना मैडम खड़ी हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? ये जनता जनार्दन है, कोई भी चाहे इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, लेकिन जो जनता वोट देती है वो जानती है कि रंगनाथ रेड्डी ने कितने अच्छे काम किए हैं, वो मुझे ही वोट देती है। कौन सा चैनल है? हाँ ठीक है, मैं देखती हूँ। चेहरे पर मेकअप लगाकर कैमरे के सामने धूम करना बहुत आसान होता है, जैसे पेंटिंग करना। एक्टिंग को देखकर तालियां बजाने वाली जनता अलग है और चुनाव में वोट डालने वाली जनता अलग है। हर घंटे जूस पीने वाले को पानी की किल्लत के बारे में क्या पता है? सुनिए, मेरे खिलाफ चाहे कोई भी खड़ा हो जाए, इलेक्शन मैं ही जीतूंगा। जय रेड्डी साहब, जय रेड्डी साहब। ये क्या गणेश, एक कलाकार को वो क्या समझते हैं? मैडम, सर एक मिनट मैं बात करता हूँ। मैडम आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, वैसे हमारी जनता ने महात्मा गांधी तक को नहीं बख्शा है, तो कलाकारों को छोड़ेंगे क्या? राजनीति में ये सब मामूली बात है। इसके अलावा वो रेड्डी अच्छे से जानता है कि इस बार वंदना ही जीतेगी, इसी फ्रस्ट्रेशन में वो इस तरह की उठपटंग बातें कर रहा है। तो उनके मुंह में जो आएगा वो बकते रहेंगे और हम चुपचाप सुनते रहेंगे क्या? गणेश मुझे तो लगता है मुझे राजनीति छोड़ देनी चाहिए। अरे रे, मैडम आप इस तरह की बातें मत कीजिए, हम आपके भरोसे करोड़ों खर्च करके कैंपेन कर चुके हैं। सर एक मिनट मैं बात कर रहा हूँ ना। मैडम प्लीज आप अच्छे से समझिए कि आप आगे बढ़ने के बाद अगर पीछे हटेंगी तो लोग आपको डरपोक कहेंगे। इतना नाम कमाने के बाद फिर इस तरह का नाम कमाने की आपको कुछ जरूरत है क्या? बताइए, वो रेड्डी का मुंह कैसे बंद करना है ये मैं अच्छे से जानता हूँ, आप निश्चिंत रहिए। तो इसे ठीक करने के लिए हमें क्या करना होगा गणेश? ट्विस्ट, शॉक और एक्सीडेंट, अचानक बहुत कुछ हो जाता है। कब क्या करना है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। जनता की जहेती, वंदना जी ने बाप का राज फिल्म में राजमाता का रोल किया है। ये देखिए, इन्होंने इस सीरियल में जो कांजीवरम साड़ी पहनी है इसकी कीमत 20 लाख रुपए है। देखो देखो देखो, उनका फैन वहाँ बैठा हुआ है, देखो जिसने 25 लाख बोला है। बहुत बढ़िया, और बोलिए और बोलिए बोलिए, 45 लाख, क्या बात है, 50 लाख, 50 लाख, बहुत बढ़िया 50 लाख। सच कहूँ तो मुझे वंदना से प्यार है और मेरी बीवी को साड़ियों से प्यार है। उसने अपने बर्थडे में मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, पहली बार मांगा था। अच्छा। इस साल इन्होंने ब्लड डोनेट किया था, मैंने भी किया था और मैंने करवाया भी। वंदना जी पर्यावरण प्रेमी है, ये पता लगते ही मैंने 1 लाख पौधे लगवाए थे उनके नाम से। ये साड़ी एक सच्चे फैन के पास जा रही है, क्या बात है। 50 लाख कैश। भाई लीजिए 50 लाख रुपए और ये साड़ी। ओके शाबाश। ए प्रेस वालों को तुम्हारी एक्टिंग के बारे में कोई शक तो नहीं हुआ ना? सर किसी को शक ना हो इसलिए मैंने ये रॉयल सूट और बीवी को नकली गहने पहनाए हैं। अभी भी तो अच्छा पहना है। और जैसे ही मैंने ऑडी कार में एंट्री ली लोग शॉक होकर देखने लगे। वेरी गुड वेरी गुड। तो तुम्हारे टैलेंट के लिए तुम लोगों को अच्छा पेमेंट देना चाहिए। ये लो इसमें 35,000 है, सब में बराबर से बांट लेना। सर ऑडी कार में आया हूँ सर। ऑडी में? अरे इनको 5,000 ज्यादा दे देना, बस इतनी वैल्यू है। और इनको 3,000 दे दो क्योंकि इन्होंने भी बहुत ही अच्छा काम किया है। वैसे मैंने आपके बर्थडे के बारे में सुना है, ये बात सच है? हाँ सर। हाँ। क्या बात है, कोइंसिडेंस हाँ? ये लीजिए ये आपके लिए। ओह थैंक यू सर, एंजॉय कीजिए। गणेश तुम्हें पता है मैं बहुत खुश हूँ, मैंने फिल्म में जो साड़ी पहनी थी वो नीलामी में 50 लाख की बिकी। मेरे इतने बड़े फैन से मुझे पता ही नहीं था, और इन सब की वजह तुम हो। तुमने जो कहा था वो तुमने कर दिखाया, जो इज्जत गई थी वो तुम्हारी वजह से वापस मिल गई है। टीवी पर सिर्फ मेरी ही चर्चा हो रही है, मुझे बहुत खुशी हो रही है गणेश। थैंक यू सो मच। हम मंदिर में आए, श्रद्धा से प्रार्थना करो, ये लो। नमस्ते, नमस्ते। रेड्डी साहब के नाम से एक विशेष पूजा कीजिए। एवं गण विशेष न विशिष्टायाम शुभदितो अस्य यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य। भगवान के नाम पर कीजिए। पूजा बंद करो।
पूजा किस लिए बंद करवाई भाई? हमारे मंदिर को तुम लोग अपवित्र करने आए हो क्या? अपवित्र? कौन से अपवित्र की बात कर रहे हैं? ये मांस खाकर मंदिर में आया है। क्या क्या बात कर रहे हैं? यहाँ मांस कोई नहीं खाता। पूछो ना, अभी रेड्डी जी से पूछो ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सर, बगल वाले होटल में आपका दोस्त बुला रहे। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने ऐसा नहीं बोला, ऐसा नहीं बोला। हाँ, मैं एक समाजवादी हूँ। क्या, समाजवादी हो? हाँ, मैंने मांस खाया, ये सच है। उसके बाद नहा धोकर यहाँ आया हूँ। मांस खाने के बाद नहा धोकर चले आए हो, फिर भी अपवित्र तो हो ही ना। ये कैसे अपवित्र बात हो गई? ये पवित्र मंदिर है। गलती हो गई ना, तो इस गलती के लिए कोई प्रायश्चित तो होगा ही ना। रेड्डी, तुमने गलती मान ली ना। मंदिर अपवित्र हो जाने पे जब तक इसकी शुद्धिकरण नहीं हो जाती, यहाँ कोई भी शुभ कार्य नहीं हो सकता। कृपा करके क्षमा कीजिए, कपाट बंद कर दो। अरे पंडित जी, बात सुनिए पंडित जी। हाँ, तो आपने नॉमिनेशन फाइल करने का फैसला कर ही लिया है, लेकिन हाई कमान ने आपको टिकट ना देने का फैसला किया है। मैं 5 बार जीत चुका हूँ, मेरी जगह किसी और को टिकट दे रहे हैं? देखिए रेड्डी साहब, आपने फिल्म अभिनेत्री वंदना के बारे में बहुत बुरा स्टेटमेंट दिया है, और ये खबर हर अखबार में छप चुकी है। किसी कलाकार के खिलाफ खड़े होकर हम कैसे जीतेंगे? शूटिंग कैंसिल करके वो अभिनेत्री कैंपेन करने के लिए निकल पड़ी है। किसी भी हाल में वो जीतने का मन बना चुकी है। वंदना एक कलाकार है, उसके अलावा एक भारतीय नारी के ऊपर कीचड़ उछालना आपको शोभा नहीं देता। हमारे पार्टी के लोग फोन करके पूछ रहे हैं, वो मुझसे सवाल कर रहे हैं कि एक महिला के साथ रेड्डी ने जो बर्ताव किया वो ठीक है क्या? आप अपना मुंह बंद रखिए, इस तरह की बात करने के लिए अपोजिशन से कितना पैसा लिया है सब जानता हूँ। कहने के लिए तुम एक कार्यकर्ता हो, बोलने का ढंग तो देखो। रेड्डी साहब, आपने विचार कर लिया होता तो इसका हल मिल गया होता, लेकिन आप मांसाहारी भोजन करके अपने क्षेत्र के मंदिर में कैसे प्रवेश कर गए? इसके अलावा उस क्षेत्र में ब्राह्मणों की संख्या ज्यादा है, वहाँ का हर कोई कर्मचारी, यहाँ तक कि धर्माधिकारी फोन करके परेशान कर रहे हैं, और तुम्हारे खिलाफ कर्नाटका में प्रदर्शन करने की धमकी दे रहे हैं। वो मैंने जानबूझकर नहीं किया। हाई कमान को इंटेलिजेंस रिपोर्ट जा चुकी है कि अगर इस बार रेड्डी को टिकट देंगे तो हम हार जाएंगे। इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी आ गई है? अध्यक्ष साहब, भूतपूर्व मंत्री मछली खाकर कभी किसी मंदिर में नहीं गए हैं क्या? पिछले इलेक्शन में क्या हुआ था, याद है कि नहीं? जीते थे ना आखिर। रेड्डी साहब, मैं क्या चाहता हूँ कि अध्यक्ष जी, मेरी राय है कि रेड्डी को टिकट नहीं देना चाहिए। एक मिनट, शांत हो जाइए। देखिए रेड्डी साहब, हाईकमान जो बोलते हैं हम वो सुनते हैं। हाईकमान ने ऑर्डर दे दिया है और एक्ट्रेस वंदना को सपोर्ट करने के लिए कहा है, हम करने जा रहे हैं, बात खत्म। ठीक है, मुझे टिकट मत दो, मैं इंडिपेंडेंट होकर लड़ूंगा, और मेरी औकात क्या है ये रिजल्ट आने पर देख लेना। पता है ना, मैत्री सरकार आने के बाद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को मंत्री पद का ऑफर देते हैं, पता है ना? वैसे मेरे चौखट पर आकर सपोर्ट कीजिए, हम आपको मंत्री बना देंगे। ऐसी भीख नहीं मंगवाई तो मेरा नाम रेड्डी नहीं। चलता हूँ। ए, चलो यार, निकलते हैं। अब क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है, सारी जनता मेरे खिलाफ हो गई है। सर, जनता ही नहीं रेड्डी, मैं खुद भी तुम्हारे खिलाफ हो गया हूँ। अरे तुम राजनेता हो, मंदिर में मांस खा के नहीं आना चाहिए था, ये तो आम इंसान भी जानते हैं। तुम्हें अकल नहीं थी क्या? इस चुनाव प्रचार में मुझसे किसी भी प्रकार की उम्मीद मत करो, तुम्हारी मेरी दोस्ती खत्म हो चुकी है। अब मुझे दोबारा फोन कभी मत करना, फोन रखो, रखो फोन। यार, मैं... स्वामी जी, आपको तो सारी बातें पता ही हैं। मुझे इस बार पार्टी से टिकट नहीं मिला है, इसलिए मैंने आपको जो पैसा दिया है वो वापस लेने के लिए आया हूँ। देखो वहाँ जो दिख रहा है ना, भक्तों के लिए 300 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा है, और यहाँ देखो
अनाथ महिलाओं के लिए आश्रम बन रहा है। ये तो अच्छी बात है, आश्रम को आपने अच्छा बनाया। ये सब आपके सहयोग से है। अच्छा, आप कभी नेपाल गए हैं क्या? नहीं, क्यों? वहाँ तिरुपति भगवान के मंदिर में कहीं भी जाओगे तो ओम का शब्द ही सुनाई देता है। उसी तरह यहाँ भी हमारे आश्रम में चाहे किसी भी कोने में चले जाओ, रेड्डी 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 ही सुनाई देगा। रेड्डी रेड्डी सुनाई देगा, वो कैसे? वो इसलिए कि सब आप ही की कृपा से है रेड्डी साहब। क्या क्या कहा? और मेरा पैसा? मेरे पैसे से ये सब आपने कैसे बनवाया? रेड्डी जी, आप ऐसे चिल्ला क्यों रहे हैं? हमारे आश्रम में 400 लोग हैं, सारे वोट आपको ही दिलवाएंगे। 400 भक्तों के वोट के लिए 60 करोड़ चाहिए? मैंने आंख बंद करके आपके ऊपर विश्वास किया, आपने मुझे तोड़ दिया। अरे बाप रे, रेड्डी रेड्डी का फोन, रेड्डी का फोन। मैं बात करता हूँ। हेलो रेड्डी साहब, नमस्ते। पिताजी से बात कराओ। पिताजी अब वो तो बहुत शांति से ध्यान कर रहे हैं। ये चैतन्य नंदा मुझे धोखा दे रहे हैं, पैसा मांगने पर वापस नहीं कर रहे। ईंट को झटका देने से रेड्डी रेड्डी सुनाई देगा, ईंट ऐसा बोल रहे हैं। मेरे साथ खेलना बंद करो, मेरे 60 करोड़ तुमने ही रखवाए थे ना। अरे क्या बात करे, 60 करोड़? एक मिनट रुके, मैं फोन स्पीकर पे डालता हूँ, एक मिनट। जरा फिर से बोलना, 60 करोड़ की बात कर रहे हैं? मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, देख लेना अब मैं क्या करता हूँ। हेलो हेलो पिताजी, उसने फोन कट कर दिया। रेड्डी साहब, मैं अमृत देता हूँ, पीजिए। और यहीं वेट कीजिए, मीडिया के लोग यहाँ आ ही रहे होंगे, आप उनसे बात कर लीजिए। धमकी दे रहे हो, धमकी दे रहे हो हैं? अपना आश्रम कैसे चलाते हो देखता हूँ मैं। ए, चलो, सारे पैसे निकल गया मेरे। शाम को 5 बजे तक ही तुम यहाँ पर हो, उसके बाद हम तुम्हें यहाँ नहीं रहने देंगे। मैंने कहा था ना कि इलेक्शन मत लड़ो, तुम तो मेरी बात सुनोगे नहीं। हमने जिस पर भरोसा किया है वो हमें यहाँ से ले जाएगा, आप प्लीज चुप रहिए माँ। ए, ये सोच रही है इसको कोई बचा लेगा? किधर जाएगा, किधर जाएगा, किधर जाएगा? झुंड में आते हैं वो सुअर होते हैं, जो झुंड जमा करके आते हैं वो कुत्ते होते हैं, और जो सिंगल आता है उसे गणेश कहते हैं। गणेश, हम ऑलरेडी 1 घंटा लेट हो चुके हैं, नॉमिनेशन के लिए लेट हो रहा है। अरे तुम चिंता मत करो, 10 मिनट फाइट होगी, 10 मिनट जर्नी और 5 मिनट नॉमिनेशन फाइलिंग, और बाकी आधा घंटा हमारा सेलिब्रेशन होगा। अबे आराम करो, मेरी जबान फिर गई तो मैं एक बाप की औलाद नहीं हूं। आ जाओ, तुम चाहे जितने भी लोग हो।
ये लीजिए, कॉन्ग्रेचुलेशन रेड्डी साहब, जिंदाबाद। क्या बात है सर, आप तो ऐसे मुस्कुरा रहे हो कि जैसे इलेक्शन जीत लिया। मेरे खिलाफ जो खड़ा है वो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए भी नहीं आया। मेरा जीतना तो तय है। वो छोड़िए, उसके लिए तो अभी टाइम है ना। 5:20 बाकी हैं। किडनैप करने का आइडिया अगर रावण के पास है तो युद्ध करके अपनी ताकत से उसको बचाने का आइडिया राम के पास है ना। ऐसे वैसे प्लान करके हमको परेशान करने का सोचा था ना, लेकिन खुद ही घटिया प्लान बना के फंस गए। जाइए सर, जाइए सर। कॉन्ग्रेचुलेशन। चलती हूँ सर। नमस्ते। मैं नॉमिनेशन के लिए पहुंच पाऊंगी ये मैंने सोचा भी नहीं था। I'm extremely grateful to you, गणेश। अरे, इसमें क्या है? तुम खुश हो ना, तो इसमें मेरी खुशी है। रेड्डी साहब जिंदाबाद, रेड्डी साहब जिंदाबाद। वंदना मैडम की जय, 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 जिंदाबाद। वंदना मैडम की जय, वंदना मैडम की जय, वंदना मैडम की जय। अभी मतगणना के अनुसार रंगनाथ रेड्डी 900 वोटों से आगे चल रहे हैं। अभी की मतगणना के अनुसार कुमारी वंदना 40,000 वोटों से आगे चल रही है। समाप्त होने के बाद कुमारी वंदना मैडम रंगनाथ रेड्डी के खिलाफ 1,40,000 वोटों से जीत चुकी है। आखिरकार आपके आशीर्वाद से मैं जीत गई। आशीर्वाद मेरा? मुझे यकीन नहीं होता, यकीन नहीं होता। इस सब के पीछे सिर्फ ये है। आप आधा घंटा यहाँ रुकेगी क्या? मेरी फ्रेंड्स आने वाली हैं, वो सेल्फी लेना चाहती हैं आपके साथ। ए, क्या बोल रही हो तुम है? तुम कब इलेक्शन में खड़ी होगी? ये तुम इसे देखो, गणेश पहले कैसा था और अभी कितना दुबला पतला है, घर तक नहीं आता है बेटी। बशीर बिल्डर्स के बारे में मैंने बहुत सुना है,
तुम लोग तो आकाश में बिल्डिंग खड़ा कर देते हो, सब सरकार का खेल है। राय साहब, जब 30 साल पहले आपदा आई थी उस समय यहाँ की सरकार ने रास्ता योजना का प्लान किया था, तब आपने रातों रात गणेश मंदिर खड़ा कर दिया था। ओ, गणपति बप्पा के राज को पता कर लिया? हम पता है, सब कुछ पता है, फुल हिस्ट्री पता है। एक्चुअली हम खुद आपके पास आने की सोच रहे थे, आपका बेटा बोल रहा था बड़ी बातें करने के लिए बड़े लोगों की जरूरत होती है, आप यहाँ आए इस बात की हमें खुशी है सर। मेरा बेटा ऐसे ही है, मुझसे बिना पूछे कोई काम नहीं करता। वैसे किस मसले पे बात करना चाहते थे? वो क्या है ना, बेंगलोर में ओरायन मॉल से भी बड़ा मॉल बनाने की सोच रहे हैं हम लोग। ऑलरेडी उस पर मैंने करीब 100 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया है, ये ओवरऑल 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। हा? लेकिन आपने गजानन गणपति की समस्या हमारे सामने खड़ी कर दी। समस्या? कैसी समस्या है? लाखों भक्त गणपति बप्पा के पास विश्वास लेकर के आते हैं, उसमें आपकी क्या समस्या है? रायर जी, मामला इतना है, अगर मॉल बनाना है तो उसके आसपास आस्था की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हा, हा। दोनों तरफ रास्ता है। हाँ। और बीच में गजानन मंदिर है। हाँ। इसलिए हमें इस मॉल को बनाने में तकलीफ हो रही है। हाँ। और अगर उस गणपति बप्पा के मंदिर को बीच से हटाएंगे तभी सरकार हमें मॉल बनाने की परमिशन देगी। क्या कहा? क्या कहा? तू मुझे क्या समझकर क्या बात करे? मैं मंदिर का मुखिया हूँ, ये मंदिर मेरे लिए बहुत मायने रखता है, और तुम लोग मेरे इस मंदिर को तोड़ने की बात कर रहे हो? क्या समझते हो, मंदिर तोड़ोगे? पिताजी, गणपति बप्पा, अब तुम भी सोचो। पिताजी आप आइए, तुम्हें पाप लगेगा। पिताजी सुनिए, पिताजी सुनिए तो सर, पिताजी मेरी बात सुनिए ना, ये लोग इस बारे में बात करने आए हैं, ये मुझे अभी पता चला है। अरे ये लोग गणपति बप्पा को रोड पे लाने की बात कर रहे हैं, और मैं इनसे बात करूंगा? पिताजी, गणपति बप्पा, तू मेरा बेटा है क्या? पिताजी क्या हुआ? राई जी, राई साहब, गणपति पापा, मेरे बेटे को क्षमा कर दो। अरे रुके ना गणेश जी, सुनिए तो सर। राई साहब, इनके भरोसे हम लैंड पर इतना इन्वेस्ट कर चुके हैं, अगर ये ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा? सर आप चिंता मत कीजिए, राय चाहे जितना भी उछल ले, लेकिन मुझे गणेश पर पूरा विश्वास है। कूल डाउन गणेश, कूल डाउन। सॉरी गणेश, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी। नहीं सर, एक्चुअली सर, मैं जब से पैदा हुआ हूँ मेरे पिताजी ने मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया, लेकिन आज इस मामले में उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। सॉरी सॉरी गणेश, सॉरी, प्लीज डोंट माइंड। क्या सॉरी सर, ये सब मेरी बदकिस्मती है, क्या सॉरी? वैसे सर मैं आपसे एक सवाल करता हूँ सर, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए आपने हमें क्यों अप्रोच किया सर, और किस लिए एडवांस देने आए हो बताइए? ये सच है गणेश, इस तरह की बात तुम्हारे पिताजी के सामने करना हमारी गलती है। वैसे ये 1-2 करोड़ का मामला नहीं है, 1000 करोड़ का मामला है। अब तू भी बताओ कि क्या करना चाहिए। देखो गणेश, ये प्रोजेक्ट हमें पूरा करना है, कुछ भी खर्च हो जाए परवाह नहीं, कितने भी करोड़ खर्च हो जाए मुझे परवाह नहीं। इस प्रोजेक्ट के बारे में हमें क्या करना होगा ये तुम खुद ही बताओ। आपने क्या कहा सर? चाहे जितना भी पैसा खर्च हो जाए, हो जाने दो, आप देंगे सर, आपने बोला है तो आप दे देंगे। आप लोग भी क्या कर सकते हो, एक तरफ मेरे पिताजी का कहना है कि मंदिर ही हमारे लिए सब कुछ है, और दूसरी तरफ आप लोग कुछ भी देने के लिए तैयार है, हमसे बिना पूछे एडवांस भी देने आ गए आप लोग। मुझे क्यों इस तरह के संकट में डाल रहे हो, मैं क्या करूं? जितना भी करोड़ों खर्च हो जाने दो, ये प्रोजेक्ट पूरा होना जरूरी है। ये लोग कितने भी करोड़ देने के लिए तैयार है, कितना मांगू मैं? अगर इनके लिए इमोशनल होकर कम मांगूंगा तो गलत हो जाएगा। अब मैं क्या करूं, कितना मांगू? ठीक है चलो मांग ही लेता हूँ। देखो गणेश, अगर तुम मंदिर का रास्ता साफ कर दोगे तो मैं 50 करोड़ देता हूँ। कितना सर? 50 करोड़। सर आप तो देने के, लेकिन मैं किस किस को दूंगा? अच्छा सर, मेरे पिताजी और मंदिर के ट्रस्टी लोग ही तो 600 से ज्यादा है सर, 600 से ज्यादा। इसके लिए तुम टेंशन क्यों लेते हो, एक एक ट्रस्टी को 1-1 करोड़ रुपए दे दो। हाँ ओके ओके, वो तो दे देंगे सर, लेकिन वहाँ के पंडित भी है ना, उनका भी तो चूल्हा जलना चाहिए, तो क्या करेंगे बताइए? 50 लाख की FD कर दो। हाँ सर वो तो ठीक है, लेकिन 1-2 महीने पहले मैंने पूरे मंदिर को रिनोवेट किया था, तो उसका भी तो, उसके लिए 50 लाख खर्च किया होगा सर। ये सब मिलाकर 65 से 90 करोड़ रुपए खर्च हो गए, आप हिसाब करके देखिए। सर मैं 100 करोड़ देता हूँ सर। हाँ ठीक है तो छोड़िए सर, अब इतना कॉन्फिडेंस देने के बावजूद भी अगर हमने कुछ नहीं किया तो कर देंगे हम लोग। सर अगर 10 आगे पीछे होगा तो चलेगा ना, मतलब आगे जरूरत पड़ी तो? कोई बात नहीं गणेश, चलेगा,
वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है मैं कुछ करता हूँ सर। गणेश तुम उस मंदिर को कैसे खाली करवाओगे? अगर अपना प्लान बता दो तो तुम्हारे घर पहुंचने से पहले ही तुम्हें 50% एडवांस पैसा भेज दूंगा। ठीक है ठीक है ओके। अच्छा अगर ऐसी बात है तो मुझे जरा सोचने दो। सर सर मैं एक अच्छा प्लान बताता हूँ आपको, अच्छी तरह से सुन लेना। बस इतना ही सर। तो बहुत स्मार्ट हो गणेश, सुपर आइडिया है तुम्हारा। कैसा लगा सर? बहुत बढ़िया सुपर। कौन हो तुम लोग? सर अभी अभी बात करके आए थे ना बिल्डर ऑफिस से, उन्हीं के आदमी है हम, समझ गए ना? ठीक है बोलो क्या बात है। पैसा भेजा है। पैसा कितना? 25 करोड़। क्या 25 करोड़? क्या यार कोई एग्रीमेंट नहीं, कोई चेक नहीं है और सीधे पैसे भेज दिए? हमारे बॉस का व्यापार ऐसा ही है। ओ अच्छा। हम भरोसे पे धंधा करते हैं, नो चेक नो एग्रीमेंट। अरे ये क्या है? ये आपके लिए नहीं है, किसी ने हमारे बॉस को पैसा लेकर धोखा दिया है, ये उसके लिए है। और उन्होंने कहा है कि आपको पैसा देने के बाद उस आदमी को जाकर खत्म कर दो। ये पैसा तुम रख लो, हम जाके उस आदमी को खत्म करके आते हैं, समझ गए ना? ओ अच्छा ऐसा है क्या? तो ये भी स्वभाव है क्या तुम्हारे बॉस का? ओ अच्छा अभी समझा। कुछ भी हो ये पैसा मुझे नहीं चाहिए, आप वापस लेकर जाओ, वापस लेकर जाओ। हाँ अरे सर आप ये पैसा नहीं लेंगे, हमारा बॉस हमारा गला काट देगा, सही है ना? हाँ सही बोला। ओके ओके यस। सर आपकी एक फोटो खींच सकता हूँ? फोटो ए ना तुम्हारी जरूरत है, ना पैसे चाहिए ना ही फोटो चाहिए, चलो लेकर जाओ इसको। एक मिनट सर, ए फोटो क्यों चाहिए? वीडियो है मेरे पास। वीडियो बनाकर रखा है क्या? तुम्हारे प्लान को तो मानना पड़ेगा यार। अरे इसे भी लेकर जाओ, इसे भी लेकर जाओ। ओके बाय। गणेश, ए गणेश। हाँ माँ मैं आ रहा हूँ। अरे गणेश, अरे आ रहा हूँ माँ। खोल, क्या बात क्या है? कर रहा है दरवाजा बंद करके? मेड को रूम साफ करना है ना, कैसे करेगी? चलट। अरे नहीं नहीं माँ, मैं देखो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं। देखो माँ मेरे रूम में कोई नहीं जाएगा और ना ही मेरा रूम क्लीन होगा। फिर वो रूम क्लीन कैसे करेगी? ऐसा है क्या? मैं खुद क्लीन कर लूंगा। तुम क्लीन करोगे क्या? अरे मैं कर लूंगा ना। ए दिमाग खराब हो गया है, चलट। अरे माँ प्लीज मैं कर लेता हूँ ना, मैं खुद साफ कर लेता हूँ, कुछ करने की जरूरत नहीं है, जाओ तुम, चलो जाओ। क्या हो गया? अरे मैंने एक बार बोल दिया ना मैं खुद कर लूंगा, जाओ टेंशन मत लो, जाओ माँ, जाओ ना माँ। गणेश बापरे, पागल हो गया ये लड़का। नंद नंदनानी नो श्री कृष्णा नंद पंथ वे। कौन है, कौन है वो, कौन है जो दिखाई नहीं दे रहा है? मनमदा, एक सन्यासी के नाम को तुम लोग बदनाम कर रहे हो, मैं श्राप देता हूँ। गुरुजी की आवाज लग रही है। इसे समाज सेवा कहते हो? किसी को मुक्ति दिलाने के लिए मुझे पाप करना पड़ेगा क्या? किसकी आवाज है? सवाल ही नहीं, दिखाई नहीं दे रहा। मनमदा मनमदा मनमदा, मेरे यहाँ किसी स्त्री की अनुमति नहीं है, ये पाप है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? जय श्री राम, 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 जय श्री राम। कमरे में तो कोई नहीं है, आप किससे बात कर रहे हैं? समीपा, जो बातें मैं मन में कर रहा था वो तुमने सुन ली है क्या? कैसा अनर्थ काम करने के लिए वो मुझसे कह रहा है? या क्या बोल रहे हैं? मुझे स्त्री के संपर्क में जाने के लिए कह रहा है, वो भी एक नहीं 100। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अगर मैं ऐसा करूंगा तो उस स्त्री को मुक्ति मिलेगी, उसे महापतिव्रता कीर्ति का सौभाग्य मिलेगा, ऐसा कह रहा है। किसी और के भले के लिए ही बोल रहे हैं ना, तो इसमें गलत क्या है गुरुजी? ऐसे बोल रही हो, लेकिन मेरी नजर में तुम एकमात्र स्त्री हो। मैं तो आपकी भक्त हूँ ना। मनमदा,
ये मेरी भक्त है। भक्त को ही मुक्ति देनी चाहिए। आप कहना चाहते हैं कि भक्तों की मुक्ति के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। सत्य है कृष्णन, मेरी शादी हो चुकी है। अरे आपने सुना, ये शादीशुदा है। मुझे मिस नहीं मिसेज ही चाहिए। तो तुम्हें मिस नहीं मिसेज ही चाहिए। सही समझे, तुम्हें पतिव्रता के रूप में पाने के लिए तुम्हारे पति ने कितना व्रत किया होगा। सही जा रहे हो। मुझे डर लग रहा है, बदन कांप रहा है। इस कंपन को रोकने के लिए मैं क्या करूं? पहली बार में होता है, घबराओ मत, आगे बढ़ो। पहली बार पाप लगेगा, उसके बाद मजा आने लगेगा। लक्ष्य पे पहुंचने वाले हो। मैं शादीशुदा हूं, मुझे इसके अलावा और क्या समझना है? अब तुम ही बताओ। वर्चस्व। अरे वर्चस्व ही बदल जाएगा। इतने बड़े स्वामी और मुझसे झूठ बोल रहे हैं। लगता है सच में ये मनमदा का ही काम है। मैं इस मौके को नहीं खो सकती। हाँ ऐसी बात है, मेरा वर्चस्व बदल जाएगा क्या? हाँ हाँ समीपा, मुझे शर्म आ रही है। आ जाओ। मुझे डर भी लग रहा है। बहुत सुंदर लग रही हो। रुकिए, पहले मैं शुरू करूंगी, ठीक है? जैसी तुम्हारी मर्जी, आ जाओ। एक मिनट रुकिए। लाइसेंस? बहुत शरारत है। मैंने शुरू कहा किया। तुझे ढूंढ ढूंढ तो मैं परेशान हो गया था। वैसे इलेक्शन में हारने के बाद जनता को अपनी शक्ल दिखाने के लायक नहीं, लेकिन मुझसे मिलने में क्या शर्म है? मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ ना यार। मुझे 60 करोड़ का चूना लगाकर इलेक्शन में मुझे हराने के बाद अब भी मेरी कार से तुम दोनों घूम रहे हो? रेड्डी तुम तो बहुत बड़े आदमी हो। बेल्लारी में जो ग्रेनेड की जमीन का जो मिनरल है उसका धंधा करके तुमने करोड़ों कमा रखा है, अब किस तरह की बात कर रहे हो? यार हम दोनों तो जनता के हीरो हैं, इस तरह बीच रोड पर। सुनो इसकी कार वापस दे दो। ठीक है ठीक है। जाता हूँ, लेकिन सिर्फ अपनी कार को नहीं, इसके हाथ पैर तोड़कर इसको भी साथ ले जाता हूँ। बड़ा प्लान कर गया हो। वेरी गुड वेरी गुड, सब बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन एक रिक्वेस्ट है। मेरे हाथ पैर तोड़ने से मेरे पिताजी का दिल टूट जाएगा। एक मिनट में इनको पहुंचा गया तो। हाँ पिताजी आप इसे लेकर जाइए। तुम इनके हाथ पैर तोड़ो, ये मैं देखना चाहता हूँ। तुम बिना ऐसा क्या? देखो तुम किसी का भी हाथ पैर तोड़ो मुझे नहीं पता, लेकिन रेड्डी ना मेरा खास दोस्त है, उससे मुझे बहुत काम है, उसको तुम मत करना, समझ गए ना? ठीक है ठीक है। देख क्या रहे हो, तोड़ डालो इसे। क्या देख रहे हो तुम? गणेश जी का नाम लो और छोड़ दो सब। आ जाओ बेटा, पैर तोड़ने वाला फर्स्ट, हाथ तोड़ने वाला नेक्स्ट, और गला कटवाने वाला भी कोई है क्या? तो आ जाओ, चलो आओ आओ फटाफट। शाबाश शाबाश। क्यों मारा सर? कहाँ मारने को बोला? अरे भाई उठा फेंको। Oh,
बढ़िया सा लगा मेरे बेटा। कहाँ तोड़ दिया? उसका पैर तोड़ दिया। क्या पटक पटक के मार रहा है मेरा बेटा? तुम बीच में आ गए इसीलिए ये बच गया। तुम बच गए इसकी वजह से। रेडी चलो भी पैदल जाओ। क्या हम लोग? क्यों पिताजी? ठहरो ठहरो गणपति बाप्पा। अरे वहां क्या देख रहे हो? यहाँ देखो। अरे रुक जाओ रेडी, अगर हमें पैसों की जरूरत पड़ी तो तुम्हारे पास आ जाऊंगा। चलता हूँ। 420 कमीने लोग। 31, 32, 33, 34 हाँ, आज का दिन मिलाकर 35 दिन हो चुके। ये क्या है समीपा, इतनी सारी बिंदिया? गुरुजी, आज पूरे 35 दिन पूरे हो गए। क्या कहा? आज पूरे 35 दिन हो गए। मनमदा को मैं क्या जवाब दूं? और मेरी शक्ति का क्या होगा? तो मैं इसमें से एक बिंदी निकाल दूं क्या? नहीं, दो बिंदिया निकाल कर आ जाओ ना समीपा। बड़ा प्यार आ रहा है। हे, जल्दी आ जाओ। नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार। सदा सुखी रहा। हमारे पास एक ब्रेकिंग न्यूज है, अगर आप उसे टेलीकास्ट करेंगे तो आपकी टीआरपी बढ़ जाएगी। ठीक है, मैं आज ही टेलीकास्ट करता हूँ। लीजिए पेंड्राइव। लेकिन हमारा नाम नहीं आना चाहिए। जरा ध्यान से। हाँ, हजारों भक्तों को धोखा देने वाले ढोंगी बाबाओं को मंदिर से निकलवाने के लिए राज्य सरकार ने कदम उठाया है। पिछले 30 सालों से गजानन गणपति मंदिर के धर्म अधिकारी राय जी के बेटे ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि ये कोई गजानन गणपति नहीं है, बल्कि इनके पिताजी ने मूर्ति की स्थापना करके भक्तों के मन में विश्वास जगाया। उन्होंने खुद वीडियो बनाकर हम लोगों को भेजा है। आइए देखते हैं कि उन्होंने वीडियो में क्या कहा है। हम और आप जो इतने विश्वास के साथ गणपति की पूजा। अरे क्या बात है पिताजी, क्या हुआ? असल में उद्भवा गणपति नहीं है। 30 साल से मेरे पिताजी राघवेंद्र रॉयर उस गणपति को लाकर फिर रास्ते में खड़े होकर गणपति का पहाड़ में मंदिर स्थापित किया और वो उद्भवा गणपति है ऐसा स्वयं कहकर लोगों को भरोसा दिला रहे हैं। कृपा करके कोई भी इन पर भरोसा मत कीजिएगा। ये उद्भवा गणपति नहीं है, नहीं है, नहीं है। वो सच में उद्भवा गणपति नहीं है। मेरे पिताजी ने क्या किया तूने? क्यों बोलकर कि वो गजानन गणपति नहीं है? इसने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। जनता को क्या जवाब दूंगा? जनता को छोड़ो, ये टीवी और अखबार वालों को मैं क्या जवाब दूंगा? ये क्या किया तूने? कैसा बेटा है तू? जन्म लेते ही मर जाता तो अच्छा होता। क्या किया तूने? इसको बचपन में मारना चाहिए था। टीवी पर जाकर ये सब बोलने की क्या जरूरत थी? गाली दो।
आप दोनों जितनी चाहे मुझे गाली दे दो, लेकिन इस मामले में मैं बिल्कुल सच ही बोलूंगा। सच क्या है तुम जानते हो क्या? हाँ जानता हूँ। क्या जानता तू बता। कल रात को गणपति ने मेरे सपने में आकर बताया कि मैंने जो बोला वो सच है। क्या? हाँ? गणपति सपने में आए थे? हाँ पिताजी। क्या बोले थे? हर रोज गणपति बापा मेरे सपने में आकर बोलते हैं मुझे कि तुम्हारे पिताजी चीटर हैं, झूठे हैं एक नंबर के। मंदिर में जो उद्भवा गणपति है वो बिल्कुल भी सच नहीं है, और अगर अभी भी सच का सामना नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे परिवार को श्राप दे दूंगा। ऐसा कहा माँ? माँ वो बिल्कुल ऐसा ही कह रहे थे। तुम पूछती हो ना कि मैं रात को सोता क्यों नहीं हूँ, यही वजह है माँ। और पता है क्या क्या कहा? क्या कहा बताओ। अगर सबके सामने सच को कबूल नहीं किया तो तुम्हारी माँ को खून की उल्टी होकर हार्ट अटैक से मर जाएगी वो, तो मैं डरूंगा नहीं क्या? अभी मुझे सच कबूल नहीं करना चाहिए। ये छोड़ो, और पिताजी के बारे में क्या बोला पता है? क्या बोल रहे थे बेटा? बताने के लिए भी मुझे डर लग रहा है। बताओ, कोई बात नहीं बताओ। अगर आपने सबके सामने सच को नहीं बताया तो वो आपकी दोनों आंखें छीनकर आपको अंधा बना देंगे और रोड पे भीख मांगने के नाम पे भीख देना था। ये सब कुछ मैं किसी को बिना बताए अंदर ही अंदर घुट घुट के जी रहा था, पता है आपको? सॉरी मां, आई एम सॉरी। प्लीज मां पिताजी को बताइए ना मां कि मैंने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल सही किया मां। अब क्या करें? सुनो गणेश, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। वो क्या है कि कल रात को गणपति के पिताजी शिवजी मेरे सपने में आए थे। वो बोल रहे थे कि तुम्हारा बेटा मेरे बेटे गणेश का मार्केट बिगाड़ रहा है, कुछ तो बहुत बड़ी डील करके रखा है उसने, होशियार रहना होशियार रहना, ऐसा कह के गायब हो गए वो। अरे आप लोगों को जो करना है करो, मेरी फ्रेंड्स के फोन आ रहे हैं, अब मैं क्या जवाब दूं उन्हें? कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। अरे फोन से तो आग और फैलेगी, क्या जवाब दूं बताओ, मुझे क्या जवाब देना होगा? तुम्हारे बाप धर्माधिकारी है ना मंदिर के, बताओ क्या जवाब दूं मैं, बोलो। कोई भी फोन करे तो उसे मेरा नाम बता दो और मुझे बदनाम करो, चलेगा। सर्वे जना सुखिनो भवंतु, सब लोग खुश रहने चाहिए, ये मेरी ख्वाहिश है। क्या कह रहा था ये? पंडित जी, हमारे खानदान के नाम पर एक विशेष पूजा कीजिए, और हमें 100 से ज्यादा भक्तों को प्रसाद भी बांटना है, इसीलिए ये लीजिए दक्षिणा। ओम गुरुभ्यो नमः। अरे ये क्या, क्या कर रहे हैं आप? तुम कौन हो बेटा? चढ़ावे के पैसे को तुमने क्यों ले लिया? ये मेरा पैसा है और ये मेरी बीवी है, सही वक्त पर यहाँ मैं पहुँच गया, नहीं पहुँचता तो मेरी मेहनत का पैसा इस पत्थर में खर्च हो जाता। ये क्या, सुबह आपने पूजा करवाने के लिए पैसे दिए थे, अब आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? उस वक्त मेरा दिमाग ठीक नहीं था, टीवी देखने के बाद सब समझ में आ गया है। सुनो पंडित जी, यहाँ पूजा करके घंटी बजाते रहते हो ना, वहाँ राघवेंद्र रॉयर का बेटा टीवी में बोल रहा है कि उद्भव गणपति नहीं है, बस एक पत्थर की मूर्ति है। राय का बेटा ऐसा बोल रहा है? इतने सालों से जिसकी पूजा कर रहा था उसे पत्थर बोल रहा है? ए, सुबह से सभी टीवी चैनल्स में यही दिखा रहे हैं कि उद्भव गणपति नहीं, पत्थर है पत्थर। क्या कहा? फिर हम पेट पालने के लिए क्या करेंगे यार? खुद गणेश ने टीवी पर आके कहा है वो गजानन गणपति नहीं है। टीवी पर जो दिखा रहे हैं मुझे उस पर विश्वास नहीं है। वंदना मेरी बात तो सुनो। पंडित जी, किस पर भरोसा करूं किस पर ना करूं, पर मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। सही कहा बेटा, विश्वास ही भगवान है। आप पूजा कीजिए। ठीक। उद्भव गणपति के बारे में चारों तरफ न्यूज फैल रहा है, हर जगह आपके बेटे की चर्चा हो रही है, इस बारे में आपका क्या कहना है? कहीं आप बाप बेटे के बीच में कोई अनबन तो नहीं हो गई? इस तरह की अफवाह कौन फैला रहा है? अभी कुछ देर पहले मैं और मेरा बेटा एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। मेरा बेटा कभी भी मेरे खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। वो उद्भवा गणपति है, ऐसा उन्होंने सबको भरोसा दिलाया है। कृपा करके उस पर कोई भी विश्वास मत कीजिए, वो उद्भवा गणपति नहीं है। ये क्या हो रहा है भाई? मैं उस गजानन गणपति के भरोसे पर रोज मंदिर जाया करता हूँ, मैं उनकी पूजा करता हूँ, वहाँ पे मन्नत भी मांगता हूँ, जो भी मन्नत मांगी है पूरी हुई है, और अभी ये लोग कह रहे हैं कि वो गजानन गणपति नहीं है सिर्फ पत्थर है, और जो बयान दे रहा है वो खुद उस मंदिर के ट्रस्टी राघवेंद्र राय का बेटा है। हे भगवान, जो इस तरह का बयान दे रहा है उसका सत्यानाश हो जाए, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। अरे आजकल उस गणेश के दिमाग को क्या हो गया है? मेरा पति रोज शराब पीकर मुझे मारता था, मैंने गजानन गणपति की प्रार्थना की और सब ठीक हो गया,
मेरे पति ने मुझे मारना पीटना छोड़ दिया। ऐसे जागृत भगवान को वो पत्थर का बोल अच्छा? रहा है। गजानन गणपति के आशीर्वाद से मेरा बेटा पोता विदेश में अच्छी जिंदगी गुजारे और वो लोग बहुत खुश है। एक वक्त था जब बाप बेटे मुझसे जनता की तरह मिलने आया करते थे। आश्रम में मेरा पैसा रखने के बाद दोनों एक साथ हो गए। अब आगे बाप एक तरफ रहेगा और बेटा एक तरफ। कमीशन भी खाया, मेरा पैसा भी गया और इलेक्शन भी। उन दोनों की औकात जानते हुए भी आप अपना सर उनके हाथ में दे आए। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरा भी वक्त आएगा। उन बाप बेटे को रोड पर खड़ा नहीं किया तो मेरा नाम भी रेड्डी नहीं। मुझे एक अर्जेंट पूजा करनी है, आप जरा 20 मिनट रुकेंगे? तुम एक स्वामी हो और तुम्हारे लिए भगवान की पूजा जरूरी है। तुम जिस तरह की पूजा की बात कर रहे हो वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। 20 मिनट में कैसे होगी? ऐसा नहीं है, छोटी सी पूजा है मुक्ति के लिए। अरे रुको, मुक्ति? और वो भी तुम? बगल में एक अनाथ आश्रम खोल लो। ये आश्रम बड़ा होगा कि नहीं पता नहीं, कम से कम वो आश्रम तो बड़ा होगा। जाओ। समीपा, समीपा, तुम्हारा चलने का ढंग देखकर मेरा दिल उछलने लगा था। मुक्ति पाने के लिए ये सब तो करना ही पड़ेगा ना, आप ही बताइए मुक्ति मिलेगी या नहीं? मिलेगी, जरूर मिलेगी। देखो तुम्हारे चेहरे की रौनक कितनी बढ़ गई है। सच में? अच्छा ये मिठाई खाइए। इसलिए? इसलिए क्योंकि 85 बार हो चुका है। इतनी बार हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। मुझे तो पता चल गया, आलू कहीं के। इसमें मेरा क्या फायदा, मनमदा का आदेश और मेरी सेवा। आप बहुत अच्छा करते हैं शरारती। हरे को 50 लाख। पचास लाख। बात यह है कि कल मंदिर के सामने प्रदर्शन होगा, ठीक है? मेरे पिताजी मेरे खिलाफ खड़े होंगे, लेकिन तुम लोगों को मेरी बात सुननी है, समझ गए? और मैं हूँ अमृता। राघवेंद्र राय के बेटे गणेश के विवादात्मक बयान से यहाँ के जनता सड़क पर उतरकर गजानन गणपति के पक्ष में प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ लोगों ने मांग की है कि गजानन गणपति के बारे में जांच पड़ताल होनी चाहिए। उधर कुछ लोगों ने इस बात पर विरोध प्रकट किया है कि जिस गजानन गणपति पर उन्हें विश्वास है उनकी जांच पड़ताल नहीं होनी चाहिए, और इसी के खिलाफ वो लोग सड़क पर आमरण अनशन पर बैठे हैं। आप लोग प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। ये मामला बहुत ही गंभीर है, मैं इस बारे में सीएम से बात कर चुकी हूँ। कल कैबिनेट में इस मामले को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। गणेश, हमारे गजानन गणपति कितने पावरफुल हैं पता है ना? अगर फूल गिर जाए तो हम जो चाहते हैं वो हो जाता है ना? हो गया ना, तुम इलेक्शन में जीत गई हो ना, अब और क्या डाउट है? मुझे दोबारा बेवकूफ मत बनाओ, समझे? तुमने झूठ कहा था कि मन्नत पूरी होनी हो तो गणेश जी फूल गिराते हैं। अरे बाप रे, हे भगवान, किसने कहा कि उद्भव गणपति बिल्कुल सच नहीं है? वो अच्छा, टीवी पर जो न्यूज आ रही है वो ना, वो बिल्कुल झूठ है। मैं हर दिन सुबह सुबह उद्भव गणपति की पूजा करता हूँ। ये बात कुछ लोगों को और कुछ चैनल वालों को पसंद नहीं है, उसके लिए मैं लॉयर से मिला था। और तो और मैं उन पर केस भी करने वाला हूँ। और उस वीडियो का क्या जिसमें तुमने बयान दिया? वो सब छोड़ो, वो सब छोड़ो। तुम्हारे एमएलए बनने के बाद मैं तुम्हारे पास किसी मदद के लिए आया हूँ क्या? हमारे उद्भव गणपति स्वयं उत्पन्न हुए हैं या फिर वो उत्पन्न नहीं हुए हैं, इस बारे में अभी भी बहुत सारे लोगों को डाउट है, ठीक है ना? इस बात को लेकर स्ट्राइक करते हैं और दंगा फसाद करते हैं, इसलिए इस बारे में विधानसभा में चर्चा करके उद्भव गणपति सच में है या नहीं है ये फैसला करने को कहो। इससे भक्त लोगों को यकीन हो जाएगा और तुम्हें भी पुण्य मिलेगा। तुम गजानन गणपति पप्पा पर छानबीन करने के लिए कह रहे हो? हाँ बिल्कुल, मेरा ही उद्भव गणपति है, मेरा ही मंदिर है, और मैं खुद बोल रहा हूँ कि उद्भव गणपति के बारे में छानबीन करो, बिकॉज इस बारे में बहुत सारे लोगों को डाउट है और वो डाउट क्लियर हो जाएगा। थोड़ी सी मदद करो प्लीज। नहीं, बिल्कुल नहीं, छोड़ो, मेरी बात मानो और ये काम करवा दो। अब तक मैंने तुमसे कोई मदद नहीं मांगी है। ब्रेकिंग न्यूज, इस विवाद पर चर्चा बढ़ता ही जा रहा है। राष्ट्र में इस मंदिर के बारे में छानबीन करने की मांग कुछ लोग कर रहे हैं। पक्ष विपक्ष में जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। मुख्यमंत्री जी विधानसभा में इस बात को उठा रहे हैं।
राघवेंद्र राय के बेटे के एक स्टेटमेंट के वजह से पूरे बैंगलोर सिटी में हाहाकार मच गया है। गजानन गणपति का सृजन खुद नहीं हुआ है, बल्कि मेरे पिताजी ने इसका सृजन किया है। वो बार बार ऐसी बातें कर रहा है। मुझे बार बार फोन आ रहा है, कई चैनल वालों का कहना है कि ये बहुत ही गंभीर मामला है। इस मामले पर चर्चा विधानसभा में क्यों नहीं कर रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी, टीवी पर उस दिन जिस गणेश ने बयान दिया था, मैं खुद जाकर उससे मिलकर आई हूँ। उसने ऐसा बयान क्यों दिया, ये मैं उससे पूछ चुकी हूँ। और अगर गणेश बार बार ये बात कह रहा है तो इसमें कुछ तो सच होगा ही ना? क्या आपको नहीं लगता कि हमें जांच करवानी चाहिए? आप लोग शांत हो जाइए, समाधान के बारे में सोचते हैं। मुझे भी ऐसा लग रहा है, इसके पीछे सच क्या है वो सब बाहर आना चाहिए। इसलिए चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी फॉर्म होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के मुताबिक रिटायर्ड जज रविंद्रनाथ जी को हम चेयरमैन बनाकर उनको ये अधिकार दे रहे हैं। सभी को मेरा नमस्कार। रविंद्रनाथ, आप जानते हैं ना, एक महीने के अंदर हमें ये रिपोर्ट सबमिट करनी है। गजानन गणपति मंदिर विवाद में एक नया मोड़ देखा जा रहा है। विधानसभा मीटिंग में मुख्यमंत्री जी ने एक स्पेशल कमेटी बनाकर इस गजानन गणपति मामले की छानबीन की परमिशन दी है, ताकि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। मान गए गणेश, तुमने जैसा कहा था इस मामले को लेकर असेंबली तक चले गए। वेरी हैप्पी। मिस्टर गणेश, आपने एक बयान दिया था, इस बारे में आपके पिताजी ने कुछ सच बताया है क्या? हाँ बताओ, ये बयान तो आपने ही दिया है ना? जी हाँ सर, वो बयान मैंने ही दिया है। खैर छोड़ो, वैसे हमारे इस कमेटी के इंक्वायरी के लिए तुम्हें यहाँ बार बार आना होगा। जब भी हम तुम्हें बुलाएंगे तुम्हें आना पड़ेगा। गणपति सृजन के समय मैं गांव में नहीं था। बीबी से पूछकर देखिए। हाँ, जब मैं इस गांव में था ही नहीं तो वो कैसे मेरी आंखों के सामने उत्पन्न हुए होंगे। मुझे अच्छे से याद है, उस दिन बैंगलोर में मूसलाधार बारिश हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि पूरा एरिया बारिश में डूब जाएगा। मैंने सुबह उठ के देखा तो कुछ लोग भीड़ की शक्ल में एक दिशा में जा रहे थे। हर किसी की जुबान पे एक ही शब्द था, गजानन गणेश उत्पन्न हुए हैं, गजानन गणेश उत्पन्न हुए हैं। उस मंदिर के बनने के एक साल के बाद वहाँ का पंडित स्वर्ग लोक सिधार गए। उनके खानदान बिरादरी से कोई है क्या? उनके खानदान में एक बेटी थी, वो बच्ची भी कैंसर की वजह से मर चुकी है। इसका मतलब उनकी तरफ से यहाँ कोई भी नहीं है क्या? पंडित का दामाद है अभी। सब जनता को देने के लिए है और हमारे लिए। आम लोगों को और तुम लोगों को मिलाकर ही दिया है। उद्भव मंदिर की छानबीन होनी चाहिए, एक तरफ से नारा लगना चाहिए और दूसरी तरफ से भीड़ इकट्ठा होनी चाहिए, ठीक है ना? उद्भव गणपति की छानबीन होनी चाहिए। कोई छानबीन नहीं होगा, छानबीन नहीं करने देंगे। कैसी मुसीबत आकर खड़ी हो गई है, साक्षात गणपति बप्पा के बारे में छानबीन करने की मांग कर रहे हैं, भगवान पे उंगली उठा रहे हैं। और इसके अलावा कोर्ट को ऑर्डर लेकर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वाले भी आने वाले हैं। अरे राय जी छोड़िए ना, टेस्ट ही तो है। गणेश जी, एक दंत वक्र तुंड, आप अपने आप को बचा कर इस मंदिर को भी बचा लीजिए। भगवान रक्षा करो। गणेश आओ,
अरे ये लोग जबरदस्ती मंदिर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों को रोको। छानबीन होनी चाहिए, छानबीन होनी चाहिए, छानबीन होनी चाहिए। देखो कुछ नहीं होगा, मैं तुम लोगों के साथ खड़ा हूँ। मैं गणपति बप्पा की छानबीन नहीं होने दूंगा, ये मेरा संकल्प। होनी चाहिए, छानबीन होनी चाहिए, छानबीन होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। एक तरफ ऐसे पुजारी है तेरे, एक तरफ भक्त तेरे सारे। धर्म को व्यापार बना डाला ऐसे लोगों ने, मरते गरीब है बेचारे। मंदिर के नाम पे, ईश्वर के नाम पे लोगों को ठगते, ये कैसे इंसान है, कैसे इंसान है। गजानन गणपति का उद्भव स्वयं हुआ है ऐसा हमारी छानबीन में किसी भी एंगल से अभी तक नहीं लग रहा है। जिसने वो सब देखा है वो इकलौते इंसान है पंडित जी। अनफॉर्चुनेटली वो इस वक्त यहाँ नहीं है। हम विशेष रूप से मूर्ति के छानबीन से पत्थर का मूल और पर्यावरण का मूल और पत्थर का जो पेट्रोलॉजी है, भूवैज्ञानिकों की जो राय है और शिल्पकारों की राय से बारीकी से पड़ताल के बाद ये पता चला है कि गणपति की इस मूर्ति का स्वयं सृजन नहीं हुआ है, बल्कि इसे मानव द्वारा बनाया गया है। अभी आपसे एक खास सवाल और। बोलिए। आप कह रहे हैं कि मूर्ति की रचना किसी इंसान द्वारा की गई है। उस मंदिर के अंदर जो मूर्ति है उसके बारे में जानकारों की जो राय है, आपको लगता है वो मूर्ति स्वयं उत्पन्न हुई है? नहीं। Okay. Now I got to know this. इस मामले में सरकार का फैसला आ चुका है कि गजानन गणपति का सृजन स्वयं नहीं हुआ है, बल्कि किसी ने उसे वहां लाकर रखा है। और 30 सालों से उस मंदिर में भक्तों का आवागमन चल रहा है आस्था और विश्वास के तहत। इस मंदिर को चलाने वाले कई धर्म अधिकारी हैं, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर भी आ चुका है कि गजानन गणपति झूठे हैं। उनकी स्थापना की गई है। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के सर्वे के अनुसार पता चला है कि इसमें मिट्टी मिलाकर किसी शिल्पकार द्वारा इस मूर्ति को बनाया गया है और उसकी प्रतिष्ठा की गई है। अब गजानन गणपति सच नहीं है ये साबित हो जाने के बाद किसी भी भक्त को वहां जाने और पूजा पाठ करने की अनुमति नहीं है, और कोर्ट ने इस मंदिर को बंद करवाने का आदेश भी जारी कर दिया है। 30 सालों से जिस गजानन गणपति मंदिर में भक्तों की आस्था रही, उसको यूं अचानक बंद कर देने पर भक्तजनों के बीच असमंजस है। उनकी आस्था को ठेस पहुंची है, इसलिए कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया है। राघवेंद्र राय का बेटा गणेश, जो इस मामले को सबके सामने लेकर आया था, उस पर कोई कार्रवाई ना करते हुए उसे बरी कर दिया गया है। अब आगे देखते हैं कि उनके साथ क्या होता है। हो गया ना सर, आराम से हो गया। अपने पक्ष में फैसला आ गया। वो उद्धवा गणपति सच नहीं है। अब उस जगह को सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए मंदिर को हटाकर कुछ और बना सकते हैं। ये फैसला अब कोर्ट की तरफ से पूरी तरह से हमें मिल चुका है, तो अभी आप खुशी खुशी वहाँ पर मॉल बनवाने का काम शुरू कर सकते हो। थैंक यू गणेश। अरे सर रहने दीजिए, मेरी कहानी को कौन सुनेगा सर, सब मेरी बदनसीबी है। प्रॉब्लम क्या है? अरे छोड़िए सर, इस काम के लिए मैंने जिन जिन लोगों को लगाया है ना, वो सब चींटी की तरह मेरे घर के सामने आ रहे हैं और रोज आकर मुझे सताते हैं। अब मैं इतना परेशान हूँ कि आपको क्या बताऊँ सर। अरे इसके लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अपना अकाउंट नंबर दो, आधे घंटे में आरटीजीएस करता हूँ। क्यों सर, मैं सही सलामत रहूँ ये आपको पसंद नहीं है? अब आपको क्या बताऊँ, कुछ मंत्रियों ने लंच के लिए डीडी लिया है और उसके बाद कहाँ कहाँ पहुँच गए, ऐसा मुझे भी पहुँचाने का इरादा है क्या? मैं तुम्हारी समस्या समझ गया। तुम अभी अपनी गाड़ी के पास जाओ, उससे पहले 35 करोड़ का बैग पहुँच जाएगा। भाई टीवी में न्यूज देख रहा था,
वहाँ तुम बोल रहे थे ना गजानन गणपति के बारे में, बेचारे भक्त तो अभी भी उस मंदिर पे अपनी श्रद्धा रखते हैं और पूजा किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। ये क्या, मेरा वर्चस्व तो बदला ही नहीं, अब गुरु जी कहाँ है? गुरुजी, गुरुजी, कुछ हुआ ही नहीं। क्या नहीं हुआ समीपा? पतिव्रता की रौनक नहीं आई। अरे तुमने गिनती में कुछ गलती की होगी, आ जाओ हम ठीक कर देते हैं। मैंने गिनती बिल्कुल ठीक ही की थी, बल्कि दो बार ज्यादा ही किया। मुझे तो अब आप पर डाउट हो रहा है गुरुजी। अरे बाप रे, सन्यासी बनना कितना कष्ट का काम है, मन जो मानता है वो शरीर नहीं मानता। तुम गाते गाते गायिका बन जाओगी, मैं पैसे दूंगा तो तुम अमीर भी बन जाओगी। अब कुछ कर लिया तो क्या गलत कर लिया हमने? ये क्या बोल रहे हैं आप? आप जो मनमदा के बारे में बोल रहे थे वो सब झूठ था क्या? अरे पतिव्रता बनने के लिए कोई बिस्तर शेयर करता है क्या? हे भगवान, मैं इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हूँ? अपने पति को धोखा दे दिया मैंने। मैंने जिनको स्वामी समझा उन्होंने मुझे मनमदा और ना जाने क्या क्या लालच देकर धोखा दे दिया। रो मत। तुम्हें घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसे चाहिए। नहीं, क्या चाहिए बोलो, अगर इतने में खुशी नहीं मिली तो फौरन टूट होकर आते हैं। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। जो मेरे साथ हुआ किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। तुम जैसे धोखेबाज को मैं नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। समीपा, समीपा मेरी बात सुनो। इस राधा कृष्ण से दुश्मनी ले रही हो, भारी पड़ेगा। राय जी, अरे, दूर रहो, क्या हुआ? राय जी, अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। मैं नहीं, गणपति बप्पा बचाएंगे। हाँ, और कैसे हैं श्री श्री राधा कृष्ण महास्वामी जी? कार्यक्रम तो ठीक से कर रहे हैं ना? है? वो कोई स्वामी नहीं है, ढोंगी बाबा है, धोखेबाज है। 100 बार मेरा रेप किया उन्होंने। 100 बार? सुनो बेटी, जब 100वीं बार कर रहा था तब तुम्हें रोना नहीं आया क्या? आया था। मुझे पतिव्रता बनाएंगे ये झांसा देकर रेप किया। अब मुझे समझ में आ गया कि आप ही मुझे बचा सकते हैं। रेप उसने किया तो मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ? एक बार होता तो मैं बुरा सपना समझकर भूल जाती, लेकिन 100 बार हुआ। अरे क्या तुम भी बेटी, 100 बार बोल रही है? क्या तुमने गिनीज रिकॉर्ड तोड़ने का फैसला कर लिया है? अब आप ही कुछ कीजिए नारायण जी। वही रुको, जैसा मैं बोलूँगा वैसा करोगी तो फिर से आश्रम में वापस जाओ। नहीं नहीं, अब मैं आश्रम कभी नहीं जाऊंगी। एक बार और हो जाने के बाद भी तुम यहीं पर आओगी, तुम्हें आश्रम जाना चाहिए, जाओगी? अब मैं क्या बोलूं? अरे बाप रे, तुम वहीं रुको। तुम आश्रम जाओ। हाँ। आश्रम जाकर समझ गए ना? समझ गई। अरे अरे अरे, नहीं बोलूंगी। जाओ जाओ। हाँ। चलती हूँ। विजय भाव। नमस्ते गणेश जी। हाँ नमस्ते, नमस्ते। राय जी, हाँ। इन्हें भी बता दीजिए 100 बार। तुम जाओ बेटी। हाँ जाओ जाओ। क्या बात है पिताजी, ये ऐसे घबराते हुए क्यों गई यहाँ से? 100 भाग दुबई से हमारे मंदिर में आ रहे हैं। ओ, ऐसा है क्या? वो घबराहट में बोलकर गई थी ना, तो मैं भी घबरा गया। बस इतनी सी बात है, अपना गणपति दुबई में भी बहुत फेमस है। अरे बाप रे, 100 बार की बात मेरे बेटे से कहने को कह रही है। गुरुजी, मुझे माफ कर दीजिए। गुरुजी, माफ कर दीजिए मुझे। मैंने आपको मन को ठेस पहुंचाई है, आपको भला बुरा कहकर यहाँ से चली गई। मैं समझ गई कि मैंने गलत किया, इसलिए आपके पैरों पर गिरकर आपसे माफी मांगने आई हूँ। मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी। उठो। गलती सबसे हो जाती है, पश्चाताप करने वाला महान होता है। तुम्हारे चले जाने के बाद मैं भी अकेला हो गया था। मतलब आप मुझसे नाराज नहीं है ना गुरुजी? समीपा, ऐसे गुस्सा करोगी तो 100 के ऊपर कैसे होगा? मैंने भी यही सोचा गुरुजी, यहाँ से जाकर लगा कि वापस आपके पास आ जाऊँ, इसलिए एक पल भी रुके बिना मैं भागकर यहाँ चली आई। चाहे कितना भी समय लगे, लेकिन आप ही मुझे मुक्ति दिला सकते हैं गुरुजी। और क्या चाहिए तुम्हें? अब आप मेरे हो गए हैं तो फिर मुझे और क्या चाहिए होगा? अय है, तुम्हारी बातें सुनकर तो। अरे पापी, क्यों कबाब में हड्डी बन के घुस आया है? हेलो स्वामी जी,
मैं हूँ स्वामी जी। आप मुझे भूल गए क्या? मैं हूँ। यही वक्त मिला है तुम्हें फोन करने का। आपसे एक जरूरी बात करनी है स्वामी जी। स्वामी जी, आपके आश्रम में इनकम टैक्स की रेट पड़ने वाली है। हाँ स्वामी जी, आपके पास जो भी रुपया पैसा है वो सब लेकर स्केप हो जाइए स्वामी जी। मैं एक परम साधु सन्यासी हूँ, धन दौलत का मेरे पास भला क्या काम। स्वामी जी आप भूलना मत, जल्दी कीजिए, वो लोग आते ही होंगे, मैं आपसे बाद में मिलूंगी स्वामी जी। कुल्फी शॉप। फोन रखिए ना गुरु जी। अरे मैं तुम्हें रेड करना चाहता था, आईटी वाले मेरी रेड मारने आ रहे हैं। अरे जल्दी कोई फैसला लीजिए गुरुजी। ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, सब चोर लग रहे हैं। गुरुजी जल्दी कुछ कीजिए। तुम पे भरोसा कर सकता हूँ? ये क्या गुरुजी, मैं तो आपकी सेवा के लिए ही आपके पैरों में गिर चुकी हूँ। तुम कैसे आई हो? कार से। ये लो, लो। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, तुम जाओ भी। हाँ, जाओ जाओ। नमस्ते नमस्ते गुरु जी। दीर्घ आयुष्मान भव। हम लोग आईटी डिपार्टमेंट के लोग हैं। आप लोगों की ईमानदारी को मानना पड़ेगा। देवनाथ, गुरुदेव, इन्हें जहाँ जहाँ भी देखना है इन्हें लेकर के जाओ, ये आश्रम पर रेड मारने आए हैं। जी जी, हम लोग रेड करने नहीं आए हैं, हम लोग कनकपुर जा रहे हैं, तो रास्ते में आपका आश्रम पड़ गया तो सोचा आपका आशीर्वाद ले ले, इसलिए आपके दर्शन के लिए हम यहाँ आ गए। ये समीपा मुझे समाप्त करके चली गई। मुझे बहुत खुशी हुई। खाना वाना खाकर जाइए ना आप लोग। आज मंगलवार है ना, तो हमारा खाना कुछ और ही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे ही आते रहिएगा आशीर्वाद के लिए। आप एक अकेले इंसान हैं जो हमें बुला रहे हैं, वरना लोग तो आईटी डिपार्टमेंट के नाम से चिढ़ते हैं। मैं तो फकीर आदमी हूँ, मुझे किस बात का डर। गुरुजी अब हम निकलते हैं, लगता है बारिश होने वाली है, जल्दी जाइए विजयी भवा। खुश रहो, खुश रहो। आखिरकार हमें स्वामी जी के दर्शन हो ही गए। मारतंडा, समीपा फोन नहीं उठा रही है, तुम जरा उसके घर तक जाओ। हाँ गुरुजी, क्या हुआ मिली? समीपा उस घर में नहीं। मतलब वहाँ देखिए टीवी में आ रही है। भक्त लोग भक्ति का मार्ग ढूंढने के लिए आश्रम में जाते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग इन भक्तों का गलत और नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। राधा कृष्ण आश्रम की एक भक्त अपने साथ हुए अनुभव को शेयर करें। अच्छा समीपा जी, पहले आप शुरू कीजिए कि आपके साथ वहाँ क्या हुआ और वहाँ क्या क्या होता है। श्री राधा कृष्ण स्वामी असल में कोई सन्यासी है ही नहीं, वो एक ढोंगी बाबा है। ये क्या, गुरुजी के बारे में ऐसी बात कर रही है? उन्होंने मुझसे झूठ कहा कि मनमदा ने उन्हें प्रेरणा दी है कि उनके साथ 100 बार हम बिस्तर होने पर इस कलयुग में भी मुझे प्रतिफदा होने का पुण्य मिलेगा। मेरे चेहरे पर अलग तरह की चमक आएगी, ये कहकर मुझे धोखा दिया। उन्होंने मेरे साथ 100 बार बलात्कार किया है। ध्यान करते समय भी सामने देखते हैं और बलात्कार करते समय भी सामने देखते हैं, महापुरुष हैं। मुंह बंद करो अपना। उसे सारा पैसा देने के बजाय गीता को देता तो ज्यादा अच्छा था। अरे गुरुजी, वो भी बगल में ही खड़ी है, वो भी सबूत के साथ। अच्छा गीता जी, आप ये बताइए कि आपके साथ कैसे धोखा हुआ? मुझे सपने दिखाकर कि वो मुझे ऐसे रखेंगे वैसे रखेंगे कहकर आज मुझे इस परिस्थिति में ले आए हैं। मेरी अच्छाई का फायदा उठाकर उन्होंने मुझे धोखा दिया। अरे बाप रे, राधा कृष्ण तुम्हारा पत्ता साफ। Thank you.
रेड्डी जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखिए मेरे आश्रम को कुछ मत कीजिए, मेरे आश्रम के भक्त परेशान हो जाएंगे, मेरे शिष्यों को भी तकलीफ हो जाएगी। मैं आता हूँ, अभी आता हूँ। स्वामी जी, रेड्डी के गुंडे हम लोगों को मारकर आश्रम में घुस गए हैं। अरे अरे, उन लोगों को वहीं रोको, अंदर मत आने दो। गणेश, ये तुमने क्या कर दिया? देखो रेड्डी के गुंडे आश्रम में फसाद कर रहे हैं, अब मैं यहाँ से कैसे निकलूं? यहाँ से कोई तो रास्ता होगा बाहर निकलने का। अरे रे रे रे, मैंने कुछ नहीं किया है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया है। गणेश बचाओ मुझे। चुपचाप बता पैसे कहाँ रखे? पैसा? हमारे मम्मी को छोड़ दो। बताता है कि नहीं? देखो बेटा, देखो बेटा, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे छोड़ दो। कहानी यहीं खत्म। किया? अरे जाने दीजिए, छोड़िए, मेरी वजह से सबको मदद मिल रही है, लेकिन मुझे कहीं से मदद नहीं मिल रही है ना। तुम्हें किस तरह की मदद चाहिए? नहीं, वो मैं छोटा सा कॉम्प्लेक्स बना रहा हूँ ना, लेकिन वो काम अभी भी रुका हुआ है। आपके पास कुछ 50 लाख पड़े हुए होंगे, अगर उसमें से 5 भेज दे तो। गुरु जी, आप तो बहुत फेमस हो गए हो, जहाँ देखो आपकी रासलीला के बारे में चर्चा हो रही है। अरे गेट बंद होने से पहले हवा अंदर आ जाती है, जो कुछ हुआ राघवेंद्र रॉय के बेटे गणेश की वजह से हुआ। खैर वो छोड़िए, जानते हैं 30 साल पहले उसने गणपति के नाम पर एक खेल रचाया और उसी खेल के नाम पर उसने पूरी जनता को उल्लू बनाया और उसने धार्मिक भावनाओं का मजाक उड़ाया। वो गजानन गणपति नहीं, पत्थर हाँ। की मूर्ति है, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी ने प्रूफ हाँ। किया है। इस धोखाधड़ी के मामले में उन बाप बेटे को कैसे फंसा सकते हैं? पहली बात तो ये, उस मंदिर की जगह को अवैध तरीके से खुद के फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया है। IPC 295 के अनुसार वो एक अपराध है। बड़े से बड़ा केस उसके ऊपर डालिए, बाप बेटे को बेल तक नहीं मिलनी चाहिए। और एक खास बात क्या है पता है आपको? सरकारी जमीन को हथिया कर वहाँ पर मंदिर बनाकर वहाँ की सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया है। इस हिसाब से सरकार के पास उनकी जायदाद को जब्त करने का पूरा अधिकार है। हाँ? उस काम को जल्दी करिए, उन दोनों को सड़क पे लाकर खड़ा कर दीजिए। अगर आप दोनों में से कंप्लेन कौन देगा फैसला कर लेंगे तो केस को आगे बढ़ा सकते हैं। इनके नाम पर लेटी, लेफ्ट में समीपा, राइट में गीता, शनि ठीक नहीं है, तुम ही बन जाओ ना। क्या बात कर रहे हैं आप? इंस्पेक्टर, वो दोनों बाप बेटे परमानेंटली सलाखों के पीछे होने चाहिए। जरूर सर, इस मामले में पब्लिक ने भी कंप्लेन दिया हुआ है सर, FIR दर्ज करके मैं उनको अरेस्ट करता हूँ सर। ए रमेश। जी सर। राघवेंद्र रॉयर के घर जाना है, जीप तैयार कर। ओके सर। तुम
लोगों के खिलाफ रंगनाथ और कई लोगों ने कंप्लेंट किया है। एफआईआर दर्ज करके हम आपको अरेस्ट करने वाले थे, आप खुद ही चलकर यहाँ आ गए। करना चाहिए था लेकिन आप लेट हो गए। अगर रंगनाथ और रेड्डी खुद आकर कंप्लेंट करेंगे तो आप अरेस्ट करने आएंगे ही ना। ये लीजिए इनके जमानत के पेपर। रंगनाथ रेड्डी। आपका नाम क्या है? रंगनाथ रेड्डी। आप क्या करते हैं? मैं भूतपूर्व अध्यक्ष हूं और समाज सेवक हूं। आपने राघवेंद्र नायर और उसके बेटे गणेश के खिलाफ जेपी नगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दिया है क्या? हाँ। हाँ, किस बारे में? राघवेंद्र राय एक धोखेबाज और बहुत बड़ा फ्रॉड है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल। 30 साल पहले गणपति बप्पा को गजानन गणपति के नाम से स्थापित किया। ये गजानन गणपति हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा कि लोगों को ऐसा भरोसा देकर उनसे पैसा वसूल किया, मंदिर बनाकर उस मंदिर का मुखिया खुद बन गया और खुद को परमानेंट ट्रस्टी रजिस्टर करवाया। उसके बाद उसी मंदिर को खाली करवाने के लिए एक बिल्डर से सौदा किया और अपने बेटे के जरिए अफवाह फैलाई कि ये गजानन गणपति नहीं है। ये प्लान इन सब ने आपस में मिलकर बनाया था और भक्तों की आस्था का मजाक उड़ाया। क्या आपके पास कोई प्रूफ है इसका? मैं तो नहीं जानता, लेकिन एक वीडियो वायरल हुआ था और उस वीडियो में जो भी आदमी था, हाँ, राय का बेटा गणेश था। उस वीडियो का आपने क्या किया? सार्वजनिक लोगों में, हाँ, चर्चा का विषय बन गया। सभी भक्तों और जनता को दुख हुआ, इसलिए हमने राय और उसके बेटे के खिलाफ जेपी नगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दी। ये कंप्लेन लेटर है। मिस्टर स्वरूप, इस मामले में आपको कुछ और कहना है क्या? यस योर ऑनर। रंगनाथ रेड्डी जी, आपका और राय जी के खानदान का कितने सालों का संबंध है? 30 साल से। पहले आप दोनों अच्छे दोस्त हैं ऐसा सुना था, ये सही है क्या? पहले थे लेकिन अभी नहीं। ठीक है, लेकिन आपने चैनल को पूरा वीडियो क्यों नहीं दिया? मेरे पास उतना ही वीडियो आया था। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। आपने अपने मोबाइल से उस वीडियो को एडिट किया और वीडियो का वही हिस्सा आपने चैनल को दिया। राय की फैमिली से जो आपकी पुरानी दुश्मनी थी उसका बदला आपने इस तरह से लिया। राघवेंद्र राय। सुनिए, मैं भी चलूं क्या? मैं जहां भी जाऊंगा पीछे आ जाओगी, जब बुलाएंगे तब आना। हाँ, राघवेंद्र राय जी। अरे इसकी हिम्मत तो देखो, बाप को नाम लेकर बुला रहा है। चुप, मैडम ये कोर्ट है। घर में माँ कहकर बुलाता है तो क्या यहाँ मैडम कहेगा? साइलेंस साइलेंस। माँ तुम भी प्लीज मेंटेन साइलेंस। राघवेंद्र राय जी, आपने अचानक से लोगों को जमा करके रातों रात गणपति जी की स्थापना की और आपने लोगों को यकीन दिलाया कि इस मूर्ति का उद्गम स्वयं हुआ है। लोगों ने आपकी बात पर यकीन भी कर लिया। कोर्ट का भी इस मामले में फैसला आ चुका है कि वो उद्भव गणपति नहीं है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? जब गणपति स्वयं उत्पन्न हुए थे उस दिन मैं गांव में नहीं था, तो फिर मैं गणपति की स्थापना कैसे कर सकता हूँ? जब वापस आया तो देखा कि वहाँ पर भक्तों की भीड़ जमा है, वहाँ पूजा अर्चना हो रही है। मैंने भी प्रार्थना किया, मैंने भी पूजा की और फिर सबने मुझसे कहा कि आप सामने आकर इस मंदिर की स्थापना कीजिए, तो मैंने कर दी। मैंने कुछ गलत किया क्या? गणेश। नमस्ते योर ऑनर। मैं जो बोलूंगा वो सच बोलूंगा। मेरा और मेरे खानदान का नाम बहुत ही बुरी तरह से बदनाम हो चुका है, खराब हो चुका है। मुझे हर रोज धमकी मिल रही थी कि हम जैसा बोलेंगे अगर तुमने वैसा नहीं किया तो हम तुम्हें और तुम्हारे खानदान को उड़ा देंगे और तुम्हारे दिल्ली वाले भाई को भी मार देंगे। इसलिए डर से मैंने ये बयान दिया है, लेकिन मैंने जो भी बयान दिया है वो पूरा बयान चैनल में नहीं आया है। आप जो कहना चाहते हैं साफ साफ कहिए। यस योर ऑनर। मेरे मुवक्किल की मांग है कि इस पेनड्राइव में जो वीडियो है उसको इस कोर्ट में पूरा देखा जाए। अगर आपने कोर्ट का वक्त बर्बाद किया या फिर किसी पर कीचड़ उछालने की कोशिश की तो आई हम्बली रिक्वेस्ट टू यू मैडम, प्लीज अलाउ टू मी प्ले। प्लीज योर ऑनर, एक मौका दे दीजिए ना प्लीज। ओके, गो अहेड। थैंक यू।
भवा गणपति के भक्तों को मेरा तहे दिल से नमस्कार है। आज ये स्थिति इसलिए आई है क्योंकि रंगनाथ रेड्डी और राधा कृष्णन की तरफ से मुझे हर रोज धमकी मिलती है। वो जो कह रहे हैं वही मैं आप लोगों के सामने अभी ही कह रहा हूँ। जिस भक्ति से और जिस प्रेम के साथ हम लोग इस उद्भवा गणपति की पूजा कर रहे हैं वो उद्भवा गणपति सच नहीं है, ऐसा ये बोलने के लिए कह रहे हैं। 30 साल पहले तेज बारिश में मेरे पिताजी राघवेंद्र रॉय ने उस उद्भवा गणपति की स्थापना की थी और मैं अभी आपको कह रहा हूँ कि कोई भी उस गणपति पर विश्वास ना करे। आप लोगों के सामने कहने के लिए मुझे मजबूर किया जा रहा है। मेरा मन तो ये सब कहने के लिए नहीं कर रहा है, लेकिन अगर मैंने ये सब नहीं बोला तो फिर वो लोग मुझे, मेरी माँ को, मेरे पिताजी को और मेरा भाई जो मुझसे काफी दूर रहता है, जिससे मेरी ज्यादा मुलाकात नहीं होती, उन सबको मारने की धमकी दे रहे हैं। दरअसल ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि कल को अगर मेरे परिवार पर किसी तरह की मुसीबत आई तो मैं बेझिझक होकर हर सोशल मीडिया में ये चीज अपलोड कर सकूं। लेकिन तब तक मैं इस वीडियो को अपने पास ही रखता हूं और किसी को नहीं दूंगा। अरे केस में तो बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है। अभी ये ट्विस्ट की वजह से देखते हैं कि केस किसके पक्ष में जाता है। इस केस में पक्ष और विपक्ष के बयान को मद्देनजर रखते हुए सारे सबूतों की छानबीन करने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम राघवेंद्र राय और गणेश बेकसूर हैं। सेक्शन 235 तहत इनको बेगुनाह करार दिया जाता है। इन दोनों के प्रति झूठे गवाह पेश करके उनको और उनके परिवार को शारीरिक और मानसिक दबाव देना और धमकी देने की वजह से रंगनाथ रेड्डी के खिलाफ निजी स्तर से छानबीन की जाएगी। इन दोनों को 1 करोड़ रुपए की भरपाई भी करनी होगी और चैनल वाले पूरा वीडियो दिखाने की बजाय छोटी सी बात को कोर्ट की अनुमति के बिना अपनी मर्जी से ब्रॉडकास्ट कर चुके हैं, इसलिए उनको 1 करोड़ दंड भरना होगा। ऐसा ना करने पर उन्हें सजा भी हो सकती है। चैनल वालों के खिलाफ भी केस दर्ज किया जा सकता है। उन्होंने वीडियो को पूरी तरह से पेश नहीं किया था, इससे काफी लोगों का वक्त बर्बाद हो चुका है, इसलिए उन्हें भी दंड भरना पड़ेगा और कोर्ट से माफी मांगनी पड़ेगी। इन पैसों को वो वक्त के हिसाब से A1, A2 के मुताबिक भेज सकते हैं। रंगनाथ रेड्डी और चैनल वालों पर हम सिविल कोर्ट में मैनिशियस प्रोसिक्यूशन केस दर्ज कर सकते हैं। लूडो छोड़कर चला जाएगा। पता नहीं वो खुदकुशी भी कर सकता है। पिताजी, श्री 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 राधा कृष्ण स्वामी जी को मेरा प्रणाम। सब लोग भक्ति से हाथ जोड़ो। मुक्ति दिलाने के बहाने आपने बहुत सारी इच्छा पाल रखी थी, अभी हाथ बांध करके चुपचाप खड़े हो। आपके लिए कृष्ण भगवान के मंदिर में सब व्यवस्था करवा दूंगा, मैं वादा करता हूँ। बस इसके अलावा इसकी जरूरत इन्हें नहीं पड़ेगी। हाँ बेटी। गुरुजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हाँ, आप हमेशा कहते थे ना कि खाने में कबाब के साथ हमेशा चटनी होनी चाहिए, इसलिए मैं आपके लिए कुछ तीखा बनाकर जेल में भेजती रहूंगी। और अगर कभी मनमदा सपने में आए तो कहना कि मैंने उनकी खैरियत पूछी। अपनी ड्यूटी करो, ले चलो मुझे। शू शू शू, अरे तुम पीछे हटो, छूने से बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। आप रेड्डी से केस जीत गए और मंदिर केस में भी आप निरपराध साबित हुए। राय जी, आप मंदिर समस्या से बाहर निकल गए हैं, लेकिन जो भक्त हैं उनका क्या? भगवान का मंदिर अपवित्र हो गया है ना, मैं उसकी शुद्धिकरण करूंगा। तो इस बारे में आप कुछ बताएंगे सर? वो बोलने वाली चीज नहीं है, देखने वाली चीज है। चैनल में हम जो न्यूज देंगे उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। कृपा करके आप सब कल वहाँ जाकर हम सब ने क्या किया ये देख कर अपने चैनल में ब्रॉडकास्ट कर दीजिए, ऐसा मैं चाहता हूँ। ये क्या, आप 30 साल से अपनी जान से ज्यादा उस मंदिर की देखभाल करते आ रहे हैं। अभी कोर्ट ने फैसला सुना है कि वो उद्भव गणपति स्वयं गणपति नहीं है, ये पत्थर से बनाई गई एक मूर्ति है। उसके बाद भी आप लोग इस तरह से खामोश बैठे हैं। आप लोगों के दिल में क्या राज है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे इतनी बड़ी बात कह दी तूने, तू मेरा बेटा है। पिताजी, पिताजी, एक मिनट। तू मेरा बेटा है।
तू मेरा बेटा है। लेकिन पिताजी सुनिए, क्या हुआ आपको? पिताजी पिताजी आप। अरे गणपति पापा, ये शैतान बेटा मेरा नहीं है। पिताजी रुक, राय साहब, राय साहब। अरे चाहिए चाहिए ना। करोड़ों की डील है, अच्छे से डील करो। वेरी गुड वेरी गुड। आप पिताजी पिताजी सुनिए तो, किसी कीमत पर अपने हाथ से जाने मत देना। मैं देख लूंगा। मैं कह रही हूँ मुझे कुछ बताइए तो, आप लोग आपस में मेरा मजाक उड़ा रहे हैं क्या? मॉल बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च हो गए, इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? सच बताना मुझे। नहीं नहीं, समाज सेवा करने वालों के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आता है, इस सवाल का जवाब मैं कहाँ से दूंगा? हा? ये जो ईंट पत्थर सीमेंट छलनी तार सलिया ये सब देने के लिए जनता आपस में लड़ती है, लाकर जबरदस्ती देती है। हमें तो बस मांगना है, तो बस मैंने मांगा और उन लोगों ने दे दिया, सिंपल। ठीक है, मैं एक और सवाल करती हूँ। हाँ पूछो। हम जिस भक्ति से गजानन गणपति की पूजा करते हैं, उनके लिए कोर्ट ने कहा कि वो स्वयंभू नहीं है, लेकिन उसके बाद ही तुमने मॉल बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। सच बताओ, तुम किसी बिल्डर से मिले हो या किसी और के साथ मॉल बनाने का प्लान बनाया था? देखो मैं सच बोलने जैसा अच्छा लड़का तो नहीं हूँ, तुम्हें एक बात बताता हूँ, सुन लो। हमारे अच्छे के लिए, मेरा परिवार सुखी रहे, किसी को कोई तकलीफ ना हो और फैमिली पर कोई आफत ना आ जाए, जो लोग गणपति पर विश्वास करते हैं उनके अच्छे के लिए सिर्फ एक काम किया था मैंने। ओके ना? ओके, अभी मैं फाइनली एक बात बोलता हूँ, वो सुन लो। एमएलए वंदना जी, अगर पुलिस स्टेशन मेक इट हुआ तो एरिया के लोगों को तकलीफ होती है, अगर हॉस्पिटल मेक इट हुआ तो मरीजों के साथ अन्याय होता है, अगर मंदिर मेक इट हुआ तो किसके साथ अन्याय होगा? किसी के साथ भी नहीं। हम कहीं भी खड़े होकर अपने हाथ जोड़ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, ये तो लॉजिक है ना? मतलब तुम जनता की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? अरे हम जैसे लोगों के बारे में जो कुछ भी बोलना है ना, तो बहुत ही सोच समझ कर बोलना पड़ता है, क्योंकि अगर भगवान के भरोसे पे जाएंगे तो लेफ्ट में जाना ठीक कहेंगे और उनके खिलाफ जाएंगे तो राइट में चले जाएंगे, लेकिन मैं सेंटर में रहता हूँ, जो लेफ्ट में खड़े हैं राइट में खड़े हैं उनको अपने साथ में लेकर अपने मुकाम तक पहुँच ही जाता हूँ, तो इसमें गलत क्या है? मेरी नजर में ये सब गलत ही है, तुम धोखेबाज खानदान से। सुनो, जो अंधविश्वास करते हैं ना, उनके लिए कुछ भी अच्छा करो उनकी नजर में धोखेबाजी होता है वो। तुमने मेरे लिए जो प्यार दिखाया था वो सच है या झूठ है? सॉरी। जो सोचा होता है वो दिमाग से संबंध रखता है, और जो प्यार होता है वो तो दिल से होता है। जरा सोच कर देखो, मैं जो कह रहा था, जो बोल रहा था, वो अगर सच लगे तो मेरे दिल का मॉल हमेशा के लिए ओपन है, कभी भी एंटर कर सकती हो, नहीं तो आने वाले इलेक्शन में मिलेंगे। हमारे इस बेंगलुरु में बहुत ज्यादा ट्रैफिक होती है, हर भक्त ऑटो या बस पकड़कर आने के बाद भी बेचारे 5 या 6 किलोमीटर पैदल चलकर जाते हैं और फिर मीलों दूर उनको लाइन लगानी पड़ती है कि नहीं? ये सब देखकर मुझे सच में बहुत दुख होता है, मैं इन लोगों की मदद नहीं कर पा रहा हूँ, ये सोचते सोचते एक दिन मैं ऐसे ही सो गया था और सोने के बाद जो सपने में आया था वो सब सच होता दिखाई दिया, और आज देखो जरा उधर देखो, वहाँ पर भी जाकर देखो, हमारे उद्भवा गणपति की कृपा से जरा देखिए तो सही आप लोग, कितना बड़ा टेंपल मॉल खड़ा हो चुका है, और इसके अंदर आप कभी भी जा सकते हो, कभी भी दर्शन ले सकते हो, ये मॉल सबके लिए खुला है। बहु गणपति को जरिया बनाकर आप दोनों बाप बेटों ने करोड़ों करोड़ों कमा लिए हैं। अब इतने सारे भगवान को जरिया बनाकर आप दोनों क्या करने वाले, ये तो भगवान ही जाने।
अरे यार, तुम एक भगवान के दर्शन के लिए क्यों हर जगह भटकते हो? रॉय के बेटे गणेश ने हर भगवान को एक ही जगह जमा करके रखा है। सच बोलूं तो टेंपल मॉल बना के रख दिया है। एक ही जगह में स्वर्ग, बैकुंठ, कैलाश सब एक ही जगह में दर्शन हो जाते हैं। तुम अपना काम निपटा के जल्दी से आ जाओ। वेल डन गणेश, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। थैंक यू सर। देखिए, इतना बड़ा और अच्छा काम जो भी करे हमें उसे सपोर्ट ही करना चाहिए। वैसे गणेश ने टेंपल मॉल बनाकर बहुत नेक काम किया है। इससे बहुत से लोगों का भला होने वाला है। I really appreciate this work. Hats off to him. नमस्ते मैडम। आपने तो कमाल कर दिखाया। लेकिन आप हमारे उत्तर कर्नाटक को भूल गए। अरे अरे, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे इष्ट देव नहीं दिख रहे हैं? कैसी बात कर रही है? वहाँ देखिए ना, कोने में वहाँ भगवान जी विराजमान हैं। ये तो बहुत ही बढ़िया है राय जी, आपने सबका ख्याल रखा। नमस्ते। क्या सोच रहे थे मैं नहीं आऊंगी? तुम जरूर आओगी, ये मुझे अच्छी तरह से पता था। नमस्ते। कह रहे थे कि कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा और इतना बड़ा टेंपल मॉल बना दिया। अरे मैंने क्या किया है, ये सब कुछ तो भगवान का ही खेल है ना। मेरी होने वाली बीबी जब आएगी तो मुझसे पूछेगी कि जिंदगी में क्या किया, तो बताने के लिए कुछ होना चाहिए। अब चले। इस पर भरोसा मत करो, बिल्कुल नहीं। इसने जो सारे भगवान की मूर्ति रखी है ना, वो आप लोगों के फायदे के लिए नहीं है। अरे रहने दो, ये भगवान को बैठा कर हम सबको बेवकूफ बना रहा है। अरे ये टेंपल मॉल बनाकर बेंगलुरु के लोगों को उल्लू बनाने की सोच रहा है। मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसके खिलाफ हूँ। आप लोग इतना जोर से चिल्ला रहे हो लेकिन कोई भी आपको पलट कर देख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? आपको कुछ पता भी है? इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग बेचारे भगवान की आस्था में अपना दिमाग लगाकर खो गए हैं। ये भगवान के नाम पर तुम लोगों को बहुत बड़ा धोखा दे रहे हो। जब मैंने गजानन गणपति की स्थापना की थी तब तुम्हारे जैसे लोगों ने बहुत उपेक्षा की थी, आवाज उठाया था। अभी मैंने एक साथ इतने सारे भगवान को यहाँ पर ला करके स्थापित कर दिया तो तुम विरोध में बोल रहे हो? क्यों भाई, सिर्फ तीन लोग नजर आ रहे हो, बाकी के लोग कहाँ गए? इस बार हम जनता के साथ धोखा नहीं होने देंगे। क्यों भाइयों? नहीं होने देंगे, कानून के सामने न्याय की मांग करेंगे। अरे कानून की बात कर रहे हो? अरे ये जो यहाँ पर हाथ जोड़कर खड़े हैं ना, वो यहाँ के कानून के जज हैं और यहाँ अपनी फैमिली के साथ आए हैं। पता है कल टीवी पर न्यूज आएगी कि आप लोगों ने हंगामा मचाया तो आपको जेल हो गई, ये खुद ही आपको सजा दे देंगे। हाँ, अरे यहाँ इतने बड़े बड़े लोग हाथ जोड़ कर खड़े हैं तो आप लोग किसका साथ लेकर हमारे खिलाफ खड़े हो जाओगे? ओके, कोई बात नहीं, देख लेंगे देख लेंगे। हाँ ठीक है, ओके चलिए जाइए। अरे जाइए यार, अरे जाओ यार, चलो रुक जाइए, इन्हें चिल्लाने दीजिए। आप लोग मंगल कीर्तन को चालू रखिए, चलिए शुरू हो जाइए, चलिए। भक्तजनों, आप लोग मत जाओ और रुक जाओ, मैं आपका गजानन गणपति बोल रहा हूँ। आपको पता नहीं, मेरे पिताजी ने मंदिर बनवाने के नाम पर अपना घर, बागीचा सब कुछ बेच दिया और उनके बेटे ने मैं गजानन गणपति नहीं हूँ ऐसा साबित करके 60 करोड़ से सारे भगवान को यहाँ लाकर टेंपल मॉल बना दिया। भक्त लोग, आप लोग होशियार हो जाओ, नहीं तो मुझे ही ढूंढते हुए आना पड़ेगा। गणपति बप्पा, कहाँ हो तुम?
बेईमान है।